ये जो हमारा करंट अफेयर शो होता है ये सारी चीज़ों को कवर करता है जैसा अगर मैं बोलूँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ठीक है इन सबको हम कवर करके इसको क्या करते हैं दोस्तों आपके सामने डिस्कस करते हैं यहां पर ये करंट अफेयर का जो सेशन है प्यारे बच्चों ये डेली हमारा होता है मॉर्निंग के अंदर में आठ बजे इसके बेस्ड हम एक क्या करते हैं टेस्ट करते हैं वो कितने बजे होता है हमारा वो होता है जनरली इवनिंग में हम करते हैं जैसे आजकल हम सवा छः बजे कर रहे हैं तो वो हमारा होता है या तो सवा छः बजे या दस बजे दो टेस्ट, स्पेशल क्लास के टाइमिंग है आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है अनु राठौर अम्बिश अदिति शिवानी खुशबू राजदीप मधु वैशाली प्रियंका संजू अदिति जी शफीक स्वागत है समीरा असलमकुम अदिति चोपड़ा ठीक है स्वागत है आप सभी का आप सभी का नीलिमा स्वागत है आपका काजी राजदीप गोविंद अक्षय विशु टोनी स्टार्क मानसिंह मायरा आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे सो so गाइज एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सुन लीजिए आप की वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें है ना चलिए गाइज लेट स्टार्ट द क्लास आज की क्लास को हम शुरू करते हैं आज की क्लास से पहले जो बात है वो यही है आपको पता भी है कि प्यारे बच्चों यार ये चार चैनल हैं जो मैंने स्टार्ट किए थे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की तैयारी जो है मैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकूं सो so, मेरे द्वारा जो है ये चार चैनल लॉन्च किए गए थे और ये जो चारों चैनल्स हैं दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से क्या कि इन चारों चैनल को आप क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब ऑल दीज फोर चैनल्स आप चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप जानते हैं दोस्तों ये अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं ठीक है इफ यू वॉन्ट टू बी विद मी ठीक है अगर आप सुमित राठी से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप ये चारों चैनल ज्वाइन कर लीजिए देखो ये मेरे चैनल्स हैं जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ तो ये है ज्योग्राफी 101 दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर ज्योग्राफी नीड्स अगर ज्योग्राफी आपकी समस्या है तो ये आपका समाधान है यूपीएससी 101 ठीक है ये आ, आ, दूसरा उसके बाद करंट अफेयर 101 ठीक है ये तीसरा एंड दिस इज द एन सी आर टी वन जीरो वन ये चौथा चैनल है दोस्तों ये चार चैनल मैंने आप ही के लिए स्टार्ट किए थे सो so दैट मैं आपकी यू पी एस सी की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकूँ ये मेरा क्या था पर्पज था ये मेरा उद्देश्य था इस सारी चीज़ को करने के पीछे सो so, प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करूँगा निवेदन करूंगा कि यार चारों चैनल को आप क्या कर लो है? यार सब्सक्राइब कर लो ठीक है चारों चैनल को सब्सक्राइब करो इसका टारगेट था हमारा बट आप लोगों ने पूरा किया नहीं ठीक है मार्च छोड़ो हमने मई का टारगेट रखा था मई छोड़ो जून भी आ गया मुझे लग रहा है जून चला भी जाएगा ठीक है सो अनएकेडमी ऐप के ऊपर भी मैं हूँ अन एकेडमी ऐप पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है ठीक है अन अकेडमी ऐप पर अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो आपको सिंपल और सिंपल आप मुझे सुमित कुमार के नाम से सर्च करिए जाके मैं आपको मिल जाऊँगा सुमित कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं क्विजेस कर सकते हैं आप मेरे साथ जुड़ के स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास मेरी जो है आजकल दो टाइमिंग पे हो रही है सवा छः बजे होगी या तो और या सवा दस पे या दस बजे मान लो ठीक है दस बजे मान लो ठीक है यहां पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं प्लस कोर्स मेरे साथ जुड़ने के लिए देखो प्लस कोर्स पर भी अपना कोर्स चल रहा है गुरुकुल अभी जैसे हम चला रहे हैं गुरुकुल प्लस ठीक है उसके बाद में गुरुकुल आ जाएगा फाउंडेशन गुरुकुल ठीक है उसके बाद में गुरुकुल क्रैश कोर्स बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं एंड गाईज प्लीज़ यूज़ द कोड सोमिट टन टू ज्वाइन दिस अगर आप गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड सोमिट टन एक बात मैं बता देता हूँ कोई भी बच्चा जो मेरे साथ पढ़ना चाहता है गुरुकुल का हिस्सा बनना चाहता है ठीक है ही और शी हैज टू यूज़ द कोड सोमिट टन ठीक है वो किसी से बहके ना बाकी मैं क्योंकि आपके पास जब कॉल आते हैं ठीक है कुछ बच्चे हैं जो टीचर से कॉल आते हैं ठीक है या कुछ और से तो वो मिसगाइड हो जाते हैं और उसको मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप कोई भी कोड यूज़ करो कोई भी कोड यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं जब आप कोई भी कोड यूज़ करते हो तो यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे ग्रुप में रह के तैयारी करना मेरे साथ तैयारी करना अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हैं ठीक है और यूपीएससी में गाइडेंस बहुत जरूरी होता है बहुत मैटर करता है तो प्यारे बच्चों मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सुमित टेन कोड ही यूज करना पड़ेगा तभी मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की पहली न्यूज जो है हमारे पास दैट इज एच कॉटन सीड्स ये क्या है यार एच कॉटन है क्या देखो कॉटन तो आप जानते ही हो कपास ये कपास की हाइब्रिड कपास का जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है एच भारत के अंदर में आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएम क्रॉप के बारे में सुना होगा जीएम सीड्स के बारे में सुना होगा ऑब्वियसली यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि क्या होते हैं जी, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा तो प्यारे बच्चों जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं ना जेनेटिकली जिनको मॉडिफाई किया जा गया होता है जो जेनेटिकली उनके जीन्स के अंदर में कुछ ऑल्टेशन करके ठीक है ऑल्ट्रेशन करके उनको बदला जाता है तो उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ठीक है अब इनका एक एक मतलब बड़ी कंपनी है यूएसए की जिसका नाम है मॉन्सांटो ठीक है बेयर बेयर नहीं है ही है मॉनसांटो है सो so, मॉन्सांटो जो है वो ये सीड्स सारे के सारे बनाती है एक जाइंट है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर में सारे के सारे जो सीड्स हैं वो कौन बनाता है दोस्तों यूएस बेस्ड कंपनी है जो इसको क्या करती है बनाती है भारत के अंदर में इस सीजन में अगर हम बात करें तो जो बीटी कॉटन है ठीक है बीटी कॉटन एकमात्र वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जिसको भारत के अंदर में अलाउ किया गया है मैं आपको एक दूसरी बात समझाना चाहता हूँ मैं एक, एक अलग चीज आपको मतलब बताना दूसरे नए सिरे से बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात है इसमें न्यूज क्या है दूसरी बात इसमें मुद्दा क्या है इसमें न्यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ इस बार जो सीड सेलर है ना ठीक है जो सीड सेलर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बताया कि भारत के अंदर में जो आपका एच टी कॉटन के जो सीड्स हैं ये बहुत ज्यादा बिक रहे हैं अब ये सीड्स जो है सरकार ने अलाउ नहीं किए हुए ठीक है कि आप किसान जो है जाओ और इसको उगाओ अपने खेत में ठीक है ये अलाउड नहीं है इनको अभी अलाउड नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर में केवल और केवल एकमात्र जो है आपकी क्रॉप जिसको हम बोलते हैं आपका बीटी कॉटन अब इसमें देखना क्या फर्क है बीटी कॉटन को हमने अलाउ किया हुआ भारत में केवल और केवल आप एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगा सकते हो जिसका नाम है बीटी कॉटन बट ये तो सर बीटी भी नहीं है ना ये तो एच टी कॉटन है ना ये तो एच टी कॉटन है ठीक है ये क्या है एच टी कॉटन हमारे पास एक तो होती नॉर्मल कॉटन ठीक है फिर होता है क्या हमारे पास बी टी कॉटन ठीक है और फिर तीसरा क्या बता रहा है ये ये तीसरा कह रहा है एच टी बी टी कॉटन तो ये फर्स्ट जनरेशन ठीक है ये सेकेंड जनरेशन और ये क्या है आपका दोस्तों इसको बोल रहे हैं हम थर्ड जनरेशन तो ये जो थर्ड जनरेशन के एच के सीड्स है ना ये भारत में इलीगल है बैन है पर पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और इस बार इनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले साल से लगभग दुगनी हो गई है और इस बात को रिपोर्ट किया गया है बताया गया है सरकार को सरकार की नॉलेज में डा डाला गया है कि इस बार जो आपका ये एच का जो सीड्स है कॉटन सीड्स हैं ये बहुत लगातार जो है इनकी डिमांड के साथ साथ इनकी सेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है ये सीड बनाता कौन है ये सीड बनाता है सर मैंने बताया आपका यूएस के अंदर में कंपनी है जिसका नाम है मोनसांटो वो ये बीज जो है बनाती है अब सर ये बीज हो होते क्या सरकार ने क्यों बैन किया हुआ है देखो जीएम क्रॉप्स ये जो है ये क्या है दोस्तों आपका ये है इनको हम बोलते हैं जीएम क्रॉप जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड्स इनके जीन्स को हम क्या कर देते हैं मॉडिफाई कर देते हैं है ना इनके जीन्स को इनके जेनेटिक्स को हम क्या कर देते हैं बदल लेते हैं डेलिब्रेटली हम इनके जीन्स को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं अब जब हम जीन्स में चेंज करते हैं प्यारे बच्चों तो उसके अंदर हम ये चेंज पहली बात तो करते क्यों हैं हम किसी फसल के अंदर में अपने हिसाब का बदलाव करने के लिए ऐसा करते हैं जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो हर फसल में ना कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं ठीक है कुछ कीड़े लगते हैं ठीक है कुछ हर्बी साइडी ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हर क्रॉप के अंदर में ठीक है तो ऐसा ही कीड़ा जो है आपका किस में लगता है ऐसा ही कीड़ा है जो आपका किस में लगता है आपका दोस्तों कॉटन के अंदर में ठीक है अब उस कीड़े से बचाने के लिए दोस्तों वो जो कीड़ा कॉटन में लगता है उस कीड़े से बचाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया इसके अंदर में एक जीन इंसर्ट कर दिया बाहर से एक जीन ऐड कर दिया ठीक है उस जीन की वजह से क्या होगा उस जीन की वजह से इस पौधे के अंदर में एक प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन जो है ये किसके अगेंस्ट में काम करेगा ये प्रोटीन जो है वो कीड़ा जो होगा हो ना उसके अगेंस्ट में काम करेगा क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज़ करेगा और वो जो कीड़ा है फिर वो मर जाएगा ठीक है ये काम है ये क्या है काम है दूसरी बात जो है इसको हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी चीज है ना यार ठीक है ये अच्छी चीज है लेकिन यार ये अच्छी चीज के साथ साथ बुरी भी हो सकती है क्यों क्योंकि सर ये जो सीड्स है ये जो क्रॉप है इसके जीन्स मॉडिफाइड है अब इसके बाद में अब ये जो बीटी कॉटन है इसे जो आपका एक इनके बीच में वो भी होता है ना वो जो पशु खाते हैं उसको बिंदोड़ा बिनोड़ा बोलते हैं उसको बिनोले तो वो पशुए पशु खाते हैं उसको ठीक है उनसे उनका दूध और जो फैट का कंटेंट है वो काफी बढ़ जाता है तो भाई एक बात तो ठीक है इससे फसल तो अच्छी होगी फसल के अंदर में कीड़ा भी नहीं लगेगा ये बात तो मैं भी मान रहा हूं लेकिन जिसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो अभी पता नहीं है हो सकता है ठीक है इसके जीन्स में बदलाव की वजह से जो भैंस खाए वो हाथी के आकार की हो जाए ठीक है या ये भी हो सकता है जो भैंस खाए वो चूहे के आकार की हो जाए मतलब उनका जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल सकता है अब उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं तो हमारा भी जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल सकता है सो so, बेसिकली इसका पर्पस क्या है ठीक है ये दिक्कत है यहां पे दूसरा क्या होता है कई बार हो सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं ये बहुत अच्छे से हमारे इस क्लाइमेट में एक्लेमेटाइज कर लें और जो हमारी नॉर्मल क्रॉप्स हैं ठीक है उनको भी ये क्या करने लगे ये इनवेजिव स्पीसी की तरह काम करें ठीक है ये अपने आप को इतना अच्छे से एनवायरनमेंट में ऐसी फेवरेबल कंडीशन कर ले कि हर जगह आप जा देखो यही क्रॉप्स उगे ठीक है ये भी हो सकता है इनवेजिव स्पीशीज के रूप में भी फिर ये फैल सकती हैं तो इससे क्या होता है ये को क्या करते हैं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं सो so, इसीलिए एक भारत के अंदर में एक आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग कमेटी होती है दोस्तों जो इस बात की जांच करती है ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग एक एक कमेटी होती है हमारे पास ठीक है जो इस बात की जांच करती है कि ये जो सीड्स हैं इनका उपयोग आपको किया जाना चाहिए भारत में या नहीं तो भारत में केवल और केवल एक ही क्रॉप है जिसके लिए हमने अलाउ किया हुआ है और वो क्रॉप कौन सी है दोस्तों एच टी एक लाइट ने खा लिया भाई लाइट तो इतनी परेशान करके रखा है अब फिर से लाइट चली गई तो उसने किया है क्या कहा है उसने कहा है कि ठीक है बीटी कॉटन को क्या कर देते हैं अलाउ कर लेते हैं क्या कर लेते हैं बीटी कॉटन को अलाउ कर देते हैं सो so, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप्स है जो आपके अलाउड है दैट इज द बीटी कॉटन क्या है बीटी कॉटन बीटी कॉटन अलाउड है ठीक है तो बीटी कॉटन और भी बहुत सारे हैं जैसे भिंडी के अंदर किया ब्रिंजल के अंदर किया बहुत सारी चीजों में किया लेकिन सिर्फ हमने अलाउ किसको किया हुआ है बीटी कॉटन को अलाउ किया हुआ है बाकी को, को हमने किसी भी आइटम को अलग दूसरे आइटम को हमने अलाउ नहीं किया हुआ है लेकिन अब जो है बी कॉटन तो ठीक है अब ये एच टी कॉटन की बात होती एच टी कॉटन देखो बीटी कॉटन में तो एक जीन बदला एच टी कॉटन में एक दूसरा जीन बदल रखा है क्या होता है कि इसके अंदर में जो आपका हम कपास उगाते हैं इसके अंदर में हर्बिसाइड्स साइड्स हो जाते हैं बहुत सारे अब हर्बिसाइड्स साइड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें आपका हमें ग्लाइसोट ग्लाइस ग्लाइसफेट ग्लाइ, जो है वो छिड़कना पड़ता है अब जो वो हर वीडी साइड हम छिड़कते हैं ना वो होता किस लिए कि ताकि घास वास जो है वो ना हो ठीक है अब वो जो ग्लायोसेट्स है वो ये बात का डिफरेंस नहीं कर पाता कि आपको पेड़ को मारना है या घास को मारना है वो दोनों को मार देता है इसीलिए ये भी खराब हो जाता है तो इसीलिए एक, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दिए एच टी एच टी से क्या होगा दोस्तों एच टी से ये होगा कि आप जब वो छिड़काव करोगे वीडी साइड्स का तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सो ये एक अलग नया वेरिएंट है और इसी की जो मार्केट में सेल है वो लगातार जो है वो बढ़ गई है ठीक है इसकी जो बीटी को कोई मतलब नहीं है बी टी का जो है वो जीन से रिलेटेड है बी जो है इट इज रिलेटेड टू द जेनेटिक उसका कौन सा जीन बदला गया है 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 ठीक पेपर है? पेपर से है? से रिलेटेड रिलेटेड है आपका ये है? ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों एच टी बी टी कॉटन सीड्स एच टी बी टी कॉटन में क्या है देखो कह रहा है कि इलीगल कल्टीवेशन ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट एच टी का मतलब क्या है हर्बिसाइड टॉलरेंट एच टी सो इलीगल कल्टीवेशन ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट बी टी कॉटन सीड कॉटन दिस इस साल जो है इसका मतलब आप देखोगे तो हर भी साइड टॉलरेंट है मतलब घास वास को जलाने के लिए जो आप वो छिड़कोगे इसके ऊपर दवाइयाँ छिड़कोगे उससे इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा कंसर्न क्या है जो सीड मैन्युफैक्चर्स हैं ठीक है भारत के जो सीड मैनुफेक्चर है

कंट टू स्टॉप सच सेल्स एंड पनिश द ऑफेंडर अब ये जो भारत के जो सीड मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है भाई किसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कि ये काम करो ये क्या चल रहा है है ना एग्रीकल्चर लॉबिस्ट गए हैं उनके पास कि इनको पकड़ो और जो कल्प्रिट है उसको क्या करो सजा दो एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकते हैं क्योंकि अभी ये जो वेरिएंट है ये नया नया है यार अभी अपने को पता नहीं है ना क्या इससे हो सकता है नुकसान और क्या नहीं हो सकता सो so, इसीलिए ये बहुत दिक्कत कर सकता है हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए अब देखो इसमें ऐड क्या, क्या क्या किया है देखो जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बीटी कॉटन का तो बीटी कॉटन जो है इट इज द द ओनली ट्रांसजेनिक दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंटर फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया भारत में अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने केवल बीटी कॉटन को ही अलाउ किया है किसको किया है बीटी कॉटन को ही अलाउ किया है बीटी कॉटन में हमने क्या किया है बीटी कॉटन में हमने उसके जीन्स को बदल रखा है हमने कॉटन के जीन को बदला हमने एक, एक, एक एक्स्ट्रा जीन बाहर से एड कर दिया क्यों क्योंकि हम उसमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइड्स टू कॉम्बैक्ट द कॉटन बुलवॉर्म हमने इसको क्यों बनाया पता है हमने इसको इसलिए बनवाया बनाया हमने इसको जेनेटिकली इसका जीन इसलिए मॉडिफाई किया क्योंकि इसके अंदर में ना कॉटन बुलवॉर्म एक नॉर्मल एक पेस्ट है कीड़ा है जो लगता है तो हमने ये जीन जब इसमें ऐड किया ना

आपने उगाया कॉटन है बट कॉटन के अलावा पचास चीजें और उगाती हैं छोटी मोटी जिनको हम खरपतवार बोलते हैं अब उनका छिड़काव का, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं हम दवाई हरबी साइड का छिड़काव करते हैं और वो हरबी साइड का नाम क्या है दोस्तों ग्लायोफोसेट अब ये जो है ना ये अंतर नहीं ढूंढ पाती कि कौन सा घास फूस है खरपतवार है जिसको मारना है और कौन सा कॉटन का पौधा है तो ये दोनों को मार देती है तो उससे फिर अपनी फसल को फिर नुकसान होता है सो तो इसीलिए हमने इन्होंने हमने नहीं बनाया जिसमें कंपनी ने बनाया है, इसने एक और वेरिएंट बना दिया एच टी बी टी कॉटन एच टी मतलब हर टॉलरेंट और बी टी मतलब तो पुराना है ही तो अब क्या होगा अब जब भाई ये वाला सीड आप उगाओगे ना एच कॉटन का तुम भले ही ग्लायोफोसेट मारो तो उस फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो उससे इम्यून हो जाएगी रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड ग्लायोस्फोसेट बट हैज बीन नॉट बीन अप्रूव्ड अप्रूव बायर लेकिन ये वाली जो वैरायटी है इसमें दिक्कत यह है कि सरकार ने अभी तक इसको अलाउड नहीं किया है ये भारत में इस्तेमाल के लिए अभी रेडी नहीं है हमारी जो रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इसके लिए अभी अलाउड नहीं किया है बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ दोस्तों थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ एच कॉटन ही है एच HTBT कॉटन जो है इसको हम बोलते हैं हरबी साइड टॉलरेंट बी टी कॉटन ठीक है एच हो गया पूरा का पूरा इसमें हमने एक नया जीन ऐड किया है, जिस जीन का नाम क्या है CP4 फोर ई पी एस पी एस अब ये अपने को कोई काम का फिर से अलग वही बात है नहीं है तो ये हमने जीन्स इसमें क्या किया ऐड किया है फ्रॉम द अनदर सॉइल बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम आपका इसका नाम है ये एग्रो बैक्टीरियम ये क्या करता है, ये इसके अंदर में एक बनाता है जो अलाउ करता है प्लांट को टू विदस्टैंड हर्बिसाइड ग्लायोफोसाइड इस प्रोटीन की वजह से इस एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेस की वजह से ये प्रोटीन बनेगा और इस प्रोटीन की वजह से अब जब आप ये हर्बिसाइड इस पर छिड़कोगे ग्लायोफोसेट तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है डन <coughs> आगे बढ़ते हैं दोस्तों कह रहा है फार्मर्स आर नॉट एबल टू स्प्रे ऑन द नॉर्मल नॉर्मल कॉटन कॉटन पे आप मारोगे ना ग्लायोफोसिट को तो उससे क्या होगा जो केमिकल होता है इसके अंदर के अंदर के में ये पहचान नहीं कर पाता कि कौन क्रॉप है और कौन सी चीज हर्बिसाइड है ठीक है ये जब आप छिड़काव करते हो तो वो ये नहीं देख पाता कि रसायन फसल और खरपतवार के बीच में अंतर नहीं देख पाता लेकिन जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है इसमें कपास के अंदर में आप जब ग्लायोफोसिट डालते हो ना तो वो उसे अप्रभावित रहता है

So, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों उसको उगा रहे हैं थ्रू द स्मगल्ड सीड्स स्मगलिंग के द्वारा लाए हुए सीड्स वो लेके आ रहे हैं और अपने इधरबीन सीड्स को क्या कर रहे हैं उगा रहे हैं बीटी कॉटन जो है अब बीटी कॉटन क्या थी एच टी तो हमने देख लिया भाई उसके अंदर में एक नया जीन हमने ऐड किया जिसका नाम है सीपी फोर पी एस है ना ये से लिया हमने यहां पर एक बैक्टीरियम है जिसको नाम है, नाम है है से से हमने हमने लिया तो इसके माध्यम क्या कर दिया उसमें एक लेयर और एक्स्ट्रा लेयर जो है उसमें ऐड कर दिया हमने ठीक है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डिजाइन टू कॉम्बेट द बुलवॉम ये भी कुछ ऐसा ही है बीटी कॉटन भी इंसेक्ट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बीटी कॉटन जो है इट वाज क्रिएटेड बाय द जेनेटिकली ऑल्टरिंग द कॉटन जीनोम हमने इसके अंदर में भी कॉटन का जीनोम जो है उसको ऑल्टर किया हुआ है हमने इसमें एक नया जीनोम डाला हुआ है किसे बैक्टीरियम बैसिलस से लिया हुआ है बैक्टीरियम बैसिलस थ्री जेनेसिस ठीक है ये बैक्टीरिया है हमने जीन्स लेके इसमें डाला हुआ है और ये जीन क्या करता है दोस्तों मैंने आपको बताया ये, ये जब भी बुलबॉम ये जो कीड़ा इसपे आके अटैक करता है तो वो जो है क्या हो जाता है मर जाता है सो so, इसीलिए जो पीटी कॉटन है वो इम्यून रहता है फ्रॉम द पेस्ट उसके ऊपर वो जो कीड़ा है कॉटन बुलबॉम <coughs> वो उस पर नहीं लगता और पेड़ जो है वो पूरी तरीके से किससे क्या रहता है दोस्तों सुरक्षित रहता है अब प्रिलिम्स स्पेसिफिक में बात कर लेते हैं तो प्रिलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है देखो व्हाट एग्जैक्टली इज द बीटी कॉटन बीटी कॉटन है क्या अब आप फिर आपसे कहा जा सकता है एचटी बैक बीटी कॉटन क्या दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए है ना आपको क्या महत्व है सिग्निफिकेंस क्या है बीटी कॉटन का ठीक है क्यों बीटी कॉटन अच्छा है क्यों बीटी कॉटन जरूरी है साथ साथ में द वर दिन टी कॉटन है एच टी बी टी कॉटन के साथ में चिंताएं क्या हैं अब एक एक बात का आपको पता है देखो बी टी कॉटन क्या है आपको पता है ना ठीक है अभी बताया मैंने जो हमारा बैक्टीरियम आपका बेसिलस थुंगिरिनस जो है उससे हमने जीन्स लेके इसमें डाला हुआ है ताकि ये आपका क्या हो जाए बुलबॉम रेजिस्टेंट हो जाए कॉटन बुलबॉम से रेजिस्टेंट हो जाए एक प्रोटीन रिलीज करता है जो टॉक्सिन का काम करता है किसके लिए कॉटन बुलबॉम के लिए एच टी बी टी को है? क्या है एच टी बी टी में एक्स्ट्रा लेयर हमने डाली हुई है एच टी हर्बी टोलरेंट ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लाइफोसेट हम डालते हैं ये उसको भी सहन कर जाता है उसका भी रेजिस्टेंट है उससे प्रभावित नहीं होता दोनों में अंतर क्या है देखो ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर हमने ऐड की हुई है बीटी कॉटन जरूरी है भाई क्योंकि ये जो कॉटन था इसकी वजह से क्रॉप का बहुत ज्यादा लॉस होता था बट अब जो होता है क्रॉप लॉस नहीं होता और फार्मर जो होते हैं वो ज्यादा जो है अच्छे से उनका जो हार्वेस्ट है वो ज्यादा हो सकता है कंसर्न विद एच बी टी कॉटन तो ये क्या है कि इसको अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिला है किसके द्वारा सरकार के द्वारा ठीक है डन <coughs> अभी आधे से ज़्यादा बच्चे तो आए ही नहीं हैं ठीक है ठेके? उन्होंने लंबे समय में वो ज्वाइन करेंगे फाइव सिक्स ईयर बाद वोट प्लान कर रहे हैं सो so, ये हो गया प्रीलिम स्पेसिफिक ठीक है बीटी कॉटन क्या है आज आज आप देख लेना मेन स्पेसिफिक की बात करते हैं व्हाट इज एचडीबीटी कॉटन ये एचडीबीटी कॉटन जो है ये है क्या पहली बात एंड हाउ इट कैन कॉज सीरियस एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन आपको बताना है कि ये जो एचडीबीटी कॉटन है ये क्या है और किस प्रकार से ये हमारे एनवायरमेंट को और हमारी इकोनॉमिक को क्या कर सकता है प्रभावित कर सकता है कॉन्सिक्वेंसेज के क्या एक्सप्लेन करना है आपको देखो क्या करोगे इसके अंदर में देखो नॉर्मल सी बात है कैसे लिखोगे आप इसको लिखने की प्रक्रिया जो है वो बड़ी सिंपल और साधारण है आपको पहले आप सबसे पहले क्या लिखते हो इंट्रो ठीक है इंट्रो के बाद क्या होता है आपका प्यारे बच्चों बॉडी और उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों आपका कंक्लूजन तीन चीजें होती है, इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन इंट्रो में आप क्या करोगे देखो मेरे पास जो बेसिकली वर्ड है जो मेरे पास कीवर्ड है इंट्रो में हमेशा ऐसा कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं

ठीक है एंड स्पेसिफिकली आप बताओगे ये जो एच टी बीटी कॉटन है इसमें हमने क्या बदलाव किया है तो आप इसमें बताओगे कि पहले बी टी कॉटन था तो बी टी कॉटन को हमने अलाउ किया हुआ था गवर्नमेंट एजेंसीज ने बट एच टी बार यहाँ पे भी बता दोगे कि कॉटन वास्तव में क्या है दिस इज द दर्ड टॉलरेंट हरबी साइड जो होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ग्लायोफोसिट उसका क्या है उससे टॉलरेंट है ये ठीक है आप ये बताओगे फिर आप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि जीएम क्रॉप होती क्या है कि जिनका जीन्स जो हम ऑल्टर करते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट अब हमने फर्स्ट जनरेशन में सेकंड जनरेशन में क्या किया बीटी बीटी में आप बताओगे कि आपने बैक्टीरियम बेसिलस थूंगस अब बीटी की फुल फॉर्म पूछ रहे थे ना मेरे से बेसिलस आपका थुंगिरिनस जो हमने अभी बताया ठीक है

है ना तो क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने बताया था जीन्स इनके मॉडिफाइड हैं तो हो सकता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये जो हम खाएंगे तो अब मैंने क्या बताया बुलबॉम जो है मर जाता है क्यों क्योंकि वो इसमें टॉक्सिन रिलीज करता है अब क्या पता यार वो हमारे लिए भी एक टॉक्सिन का काम करें या क्या पता हम उसको खाएँ तो हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अभी कुछ पता नहीं हेल्थ है हेल्थ इंपैक्ट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट मैंने आपको बताया था ये एनवायरमेंट को भी नकारात्मक रूप से क्या कर सकते हैं प्रभावित कर सकते हैं पता नहीं किस एरिया को ये इन्वेड कर दें कहां पर ये फैल जाए ठीक है हो सकता है दूसरी जो स्पीसीज हैं यहाँ पे उनको ना उगने दे ये डोमिनेट करने लग जाए सो so, बहुत सारे इसके वो हैं ठीक है आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो जो अभी तक हमें यहां पर पता नहीं है सो so, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे देखो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउ किया है तो so, वो अच्छी बात है ठीक है दैट इज टोटली फाइन बट एच

सकते हो प्यारे बच्चों ठीक है? What is the significance of this particular thing? ठीक है है तो ये आपको करना है इसके ऊपर हो सकता है कि अपन एक जो है कल भी मुझे करना था यार बट मेरी क्लास इतनी ज्यादा हो जाती है मेरा मन तो है कि से कुछ क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूं बट दिक्कत यही होती है कि मैं कर नहीं पाता सो बिकॉज so, आपको पता है प्रॉब्लम इतनी सारी क्लासेस हो जाती है अपनी यार यूएन सेक्रेटरी जनरल आपको पता है ये कौन है एंटीनो सो so, इनको सेकंड टर्म अलाउ कर दिया है ठीक है ये कौन से इनको कौन सी टर्म अलाउ कर दिया है सेकंड टर्म एक दूसरी टर्म इनको दे दिया है जनरल सेक्रेटरी जो होता है दैट इज द हेड ऑफ द एन असेंबली तो वो बेसिकली पांच साल के लिए उनको चुना जाता है कितने साल साल के लिए? साल के लिए लिए चुना जाता है यूएन के जो अभी वर्तमान के सेक्रेटरी जनरल थे एंटेनो गुटरेस पांच साल हो गए इनके अब इनको एक और पांच साल की टर्म जो है वो दे दी गई है कि ठीक है जा जी ले अपनी जिंदगी पांच साल के लिए और बना रहा है क्या आप यूएन के सेक्रेटरी जो है पांच साल के लिए फिर से बने रहो सो एंटेनो गुटरेस जो है इनको पांच साल के लिए और अब यूएन सेक्रेटरी के पद इनके इन्हीं के पास रहेगा है ना? ये अप्रूवल हो चुका है इसमें हम बात करेंगे देखो यार इस टॉपिक के अंदर में क्या फंक्शन होते हैं सेक्रेटरी जनरल के है ना अच्छा पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें करंट अफेयर तो मैंने बता दिया क्या था न्यूज क्या थी कि किस प्रकार से भारत में सीड्स बेचे जा रहे हैं इशू क्या था इशू था जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जीएम क्रॉप इज द इशू है ना अब जीएम जो क्रॉप का इशू है ये कभी जाएगा नहीं जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था ना इसमें जो मुद्दा था ना जीएम क्रॉप का भाई ये मुद्दा कभी जाने वाला नहीं है ठीक है ये मुद्दा तो है ना तो इसीलिए इससे रिलेटेड न्यूज जो है अब ये रहेगी आप आपको अब न्यूज पे ध्यान नहीं देना है अब आपसे कभी भी नहीं पूछेगा वो कि बताओ अभी अभी कौन सा बीज भारत के अंदर सर्कुलेट हो रहा था वगैरह वगैरह नहीं वो पूछेगा एच कॉटन के बारे में वो पूछेगा आपसे क्या कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है प्री हो चाहे हर चीज में दो मुद्दे होते हैं दूसर, यहां पर भी है यहां पर भी न्यूज भी है और मुद्दा भी है न्यूज क्या है, ये है कि जो यूएन जनरल सेक्रेटरी है उनको एक सेकेंड टर्म अलाउ कर दी गई है एंड वो अभी से पांच साल और आगे पांच साल तक क्या रहेंगे यूएन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर रहेंगे ये न्यूज है बट मुद्दा क्या है इश्यू क्या है दोस्तों इश्यू है ये पोस्ट इनके क्या काम है क्या ये काम करते हैं कैसे इनका चुनाव होता है वो एक इशू है है ठीक है? वो हमें पता होना चाहिए सो आपको हर टॉपिक में से ना इस प्रकार से चीजों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जब तक आप इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक दोस्तों आपके लिए यहां पर क्या होगी प्रॉब्लम होगी है ना और प्रॉब्लम किस प्रकार की जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम यही होगी ठीक है जब आप इशूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप बाकी लोगों से पीछे रहोगे सो इसीलिए अगर बाकी लोगों से रहना है आपको आगे तो दोस्तों आपको एक सही स्ट्रेटेजी जी और सही अप्रोच जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही थी जीएस पेपर टू से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरा एंड फोना उनका स्ट्रक्चर क्या होता है तो इट इज रिलेटेड टू द जीएस पेपर

मतलब बन चुके हैं लगातार दो टर्म में वो बन चुके हैं ठीक है और जितने भी आज तक के मैं बताता हूं आज तक के नो हेड रहे हैं किसके यू जनरल असेंबली के सारे के सारे मेल रहे हैं मतलब आज तक कोई भी फीमेल हेड जो है यहाँ पर नहीं बनी है ये बात आपको याद रखनी है अच्छा वट इज द प्रोसेस ऑफ यू जनरल यू एन सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटमेंट इसका प्रोसेस क्या है किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है वो आप देख लो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा होता है ऑन दी एडवाइस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसकी सलाह के ऊपर किया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में पांच परमानेंट मेंबर जो वीटो पावर होल्डर होते हैं और दस नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं इंडिया भी उसका भी एक जो है हिस्सा है भाग है सो so, अपॉइंटमेंट कैसे होता है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की जो आपकी महासभा है उसके द्वारा इसका चयन होता है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती है बट याद रखना है इसमें जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा जो आपकी सुरक्षा परिषद है उसकी सलाह जो है उसकी एडवाइस जो है यहाँ पर वो आपको ली जाती है

इनमें से किसी ने भी इनके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करना है अगर किसी एक ने भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो फिर ये पद पे नहीं चयनित तो हो सकते हैं इस प्रकार से वीटो का पावर कई बार किया गया है ठीक है कैसे कैसे किन किन केस में किया है, मैं आपको बताऊंगा देर फॉर द सेक्रेटरी जनरल सिलेक्शन इज सब्जेक्टेड टू द द वीटो वीटो ऑफ ऑफ एनी फाइव परमानेंट परमानेंट मेंबर मेंबर अगर अगर किसी भी permanent member ने इनके खिलाफ पावर का इस्तेमाल कर लिया आप ये बात समझना उस केस के अंदर में ये नहीं बन पाएंगे फिर क्या सेक्रेट सेकरे, आपका सेक्रेटरी जनरल फिर नहीं बन पाएंगे ऐसे हुआ है जैसे यूएस ने किया था यूएस ने क्या किया था इजिप्ट के थे बाउटरस गान, बा, बाउटरस गाली उनको सेकेंड टर्म उन्नीस में, में दोबारा बनना चाहते थे तो उन्होंने वीटो लगा दिया चाइना ने भी वीटो लगाया था उन्नीस था 1981 के अंदर में और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो वेल्डिंग जो थे उनको तीसरी टर्म ये तीसरी बार बनना चाह रहे थे भाई साहब है ना दस साल तक इन्होंने कर लिया तीसरे साल बनना चाह रहे थे तो चाइना ने इस पर क्या कर दिया वीटो लगा दिया उसके बाद जो दस नॉन परमानेंट मेंबर हैं ठीक है जो नॉन पर पांच तो परमानेंट है जिनको हम बोलते हैं पी फाइव परमानेंट फाइव है ना इनके पास वीटो पावर का अधिकार होता है जो दस हमारे इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दे दू नोट दू नॉट हैव द वीटो पावर उनके पास किसी भी प्रकार का वीटो पावर आपका नहीं होता वीटो पावर सिर्फ पांच परमानेंट मेंबर के पास ही होता है जिनको हम पी कहते हैं अच्छा आगे क्या बोल रहा है दोस्तों ठीक है ये आगे बोल रहा है देखो किसी भी व्यक्ति को अगर आपका यूएन सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल का सिक्योरिटी जनरल बनना है तो एक कंडीशन और है कि जो एक सदस्य है ना जो यूएन का उसका जो है आपकी बैकिंग होनी चाहिए जैसे ये जो एंटीनो गुटरेस है इनको पुर्तुगल पुर्तुगल जो था पुर्तुगल जो है उसकी बैकिंग थी मतलब उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया था उन्होंने इसका नाम की सिफारिश की थी बाकी कोई और ऐसा था ही नहीं जिसके नाम के पीछे एक सिफारिश की गई हो अकेले थे मोर ओवर फॉर एनी एनी कैंडिडेट टू हैव अ अ रियल चांस ऑफ बीइंग एज द टॉप पोस्ट रिकमेंडेशन बाय यहमेंडेशन मेंबर स्टेट इज इजेंशियल जो यू का मेंबर है उसकी बैकिंग होनी चाहिए उसके पीछे उसका रिकमेंडेशन होना चाहिए उसकी सिफारिश की जानी चाहिए अब इन भाई साहब की सिफारिश किसने की है पुर्तुगल ने ठीक है गुटरेस जो है उसको एंडोर्स किया गया पुर्तगाल के द्वारा सेकेंड टर्म के लिए कि ठीक है इसको दूसरा एक कार्यकाल और देते थे एंड नन ऑफ द सेवन अदर चैलेंजर्स और सात इनके जो चैलेंजर्स थे जो इनके विरोध में खड़े हुए थे किसी को भी किसी भी स्टेट उसकी मेंबर स्टेट की बैकिंग नहीं थी किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था अब आप बात कहोगे सर कि ठीक है अपॉइंटमेंट हो गया नियुक्ति हो गई अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की कि क्या फंक्शन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्यारे बच्चों एक बार सभी यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ठीक है वन के का टारगेट है अपना एक वन के का लाइक्स का टारगेट है यार प्लीज ठीक है सारे के सारे बच्चों एक बार मेरे से रिक्वेस्ट है यार आप मेरी मेरी आपसे कि प्लीज यार एक बार शेयर करो वीडियो को और लाइक करो सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक हमारा वीडियो जो है वो जा सके प्लीज यार गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए सो पहली बात क्या है फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो यूएन चार्टर जो है रेफर सिक्योरिटी एज द यूएन यूएन चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो UN का चार्टर है ना उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव जो होता है इसको संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए मतलब देखा जाता है सो so, अगर हम बात करें सिक्योरिटी जनरल की तो वो यूएन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है पहली बात

साहब है ठीक है, है उसके बाद दोस्तों कंसल्टेशन विद द वर्ल्ड लीडर दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ में कंसल्टेशन भी यही करते हैं ठीक है ताकि सिक्योरिटी दु, पूरी दुनिया में शांति जो है पूरी दुनिया में पीस जो है पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे तो वो वर्ल्ड के नेताओं के साथ में लीडर्स के साथ में बातचीत करना इन्हीं का काम है दुनिया भर में ट्रैवल करते रहते हैं अलग अलग जगह पर ताकि आपस में जो सिक्योरिटी जनरल्स जो हैं दुनिया के जो अलग अलग जगह के सिक्योरिटी जनरल्स हैं उनको कॉन्टैक्ट में रखना आपस में उनकी बातचीत कराना यार ये एक बात मैं कितनी बार बताऊं ठीक है भाई वो मैंने नहीं किया वीडियो प्राइवेट मेरे पास किसी वीडियो को प्राइवेट करने का या पब्लिक करने का अधिकार नहीं है ये काम अनएकेडमी का है जो टॉप मैनेजमेंट है ठीक है अनएकेडमी का है ये तो ये काम मैंने नहीं किया आप ये समझो ये हुआ क्यों है क्योंकि हुआ इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग जो है उस वीडियो को टारगेट करने लग गए कुछ लोग ये कहने लग गए कि मुझे जोग्राफी पढ़ानी नहीं आती मैं इंडिया का मैप भी नहीं बन, सेलेक्ट कर सकता तो मैं कहाँ से बच्चों को आई एस बनाऊंगा ठीक है ऐसा उनका कहना था वो ऊपर मैप में गड़बड़ थी जो पीओके और जो अक्साई चिन्ह वाला भाग था अब मैप मेरे घर पे तो बनता नहीं है भाई आ, मेरे घर पे मैप बनाने की फैक्ट्री है मैं मैप कौन सा यूज करूंगा मैं मैप वो यूज करूंगा जो इंटरनेट पर है और इंटरनेट पर उस मैप के अंदर में वो कॉमन एरर था वो गलती थी उसके अंदर ठीक है वो कॉमन एरर है बट मेरा इंटेंशन ऐसा थोड़ी ना कि मैं कह रहा हूं कि पीओके अब इंडिया का पार्ट नहीं है मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला बट कई लोगों ने उसको उठाया और ट्विटर पे डाल दिया और ट्विटर पे वो उस चीज को क्या करने लगे ट्रोल करने लगे कि भाई कैसा है मास्टर है और वो चीज ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो उसकी वजह से अन अकेडमी ने उस वीडियो को डाउन कर दिया उसको ही नहीं जितने भी मैप बेस्ड वीडियो थे जिनके अंदर में वो एरर था उसको वीडियो को डाउन कर दिया है अब ये मेरी नहीं है ठीक है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता तुम चाहे चार हजार बार मेरे को बोलो हर क्लास में आप बोलो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ना मैंने उसको प्राइवेट किया और ना ही मैं उसको पब्लिक कर सकता हूँ ये काम अन का है वो वीडियो प्राइवेट नहीं होगी ठीक है आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस वो दोबारा ही कर लेंगे हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे ठीक है तब हम करेंगे क्योंकि मैप जो था वो वही है अब मैं छोटा नागपुर का पठार पढ़ा रहा हूँ तो मैं मैप यूज़ करता हूँ और अगर उस मैप में ऊपर गलती है तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट यार मेरे घर पर मैप थोड़ी ना बनता है तो मैं हाथ से बनाऊँ मैप और किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक बेटर तरीके से उसको समझाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है अब मैं इंटरनेट से ही तो उठाऊंगा इन चीज़ों को और कहाँ से लूँगा तो फिर आप में से कुछ लोगों ने क्या किया उसका स्क्रीन उठाया और रख दिया वहाँ पर कि ये देखो भाई ये मास्टर आई ए एस से बनाएगा इसको बाउंड्रीज़ का ही नहीं पता इसको ये नहीं पता कि कौन सी बाउंड्री है और कौन सी नहीं है ठीक है तो कहाँ से आई एस आई बना देगा ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ट्रोल होने लगी ठीक है तो फिर क्या होता भाई उस वीडियो को डाउन कर दिया गया ठीक है मैं भी एक हफ्ते घर बैठा हूँ इसी चक्कर में ठीक है आप समझ रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं ये आप ही के बीच में से किसी लोगों ने किया था भाई तो अब क्या कर सकते हैं उसमें अपन देखो कुछ कर नहीं सकते ठीक है मेरे हाथ में कुछ है नहीं और वो चैनल के जो मैनेजर हैं उन्होंने किया है निकिता वो गलती नहीं है यार ठीक है गलती नहीं है वो बेसिकली वो गलती नहीं है अब एक बात बताओ जो इंडिया का जो मैप है ना वो ऊपर से अगर हम बात करें ठीक है ये वाला जो भाग है ठीक है इट्स नॉट गलती यार अब मैप के अंदर ही जो मेरे घर पे तो मैप बनाने की दुकान है नहीं तो चलो मैं तो हाथ से भी ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है उसके अंदर में ये इस प्रकार से दिखाया हुआ है ठीक है मतलब ऐसे दिखाया हुआ है इसको काटा हुआ था मतलब या तो इसमें अलग कलर इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने ठीक है इसमें अलग कलर और इसको अलग कलर से दिखाया मतलब इस पर भी बोल दिया कि ओहो ये तो एंटी नेशनल है ठीक है ये एंटी नेशनल है ये मास्टर ये तो बेकार है फलाना है ढिमकाना है तो ऐसे लोग कुछ जो हैं जिनको मतलब हर चीज़ में सियासत दिखती है हर चीज़ में पॉलिटिक्स दिखती है मतलब एजुकेशन को भी उन्होंने उसमें घुसेड़ दिया ठीक है एजुकेशन को भी घुसेट और देशभक्त बनते हैं वो उन्होंने बताओ ना कौन सा देशभक्ति का काम किया है मैं तो इधर दिन रात क्लास ले रहा हूँ ठीक है मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भारत का यूथ जो है कुछ सीख पाए वो समझ पाए जान पाए और वो क्या है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कि ट्विटर के ऊपर जाके ट्वीट कर दिया ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है अब उसकी वजह से कितना जो बच्चों का लॉस हो रहा है यार वो वीडियो कितने बच्चों वो साढ़े लाख बच्चे उस वीडियो को देख चुके थे ठीक है और भी बहुत सारी वीडियो थी जो बच्चे देख रहे थे ठीक है साढ़े सात लाख जो बच्चे जो है उस वीडियो को देख चुके थे और अभी बहुत सारे बच्चे भी उस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं देख रहे थे बीच में थे बट क्या करें अब वीडियो डाउन हो गया अब अब बच्चा तो मेरे से ही कह रहा है कि सर आप भाई मैं कहां से करूँगा यार मेरे हाथ में ही नहीं है चीजें ठीक है ये मेरे हाथ में नहीं है भाई ठीक है मेरे हाथ में तो ये भी नहीं था कि मैं दोबारा आके पढ़ाऊँ मैं तो बैठ गया था अगर जब मेरे को बोला गया कि आप पढ़ा लो अब ठीक है मामला ठीक है अब नहीं है मैं दोबारा पढ़ाने लग गया नहीं तो बीच में मेरी क्लासेस भी बंद हो गई थी ठीक है सो बहुत सारे समस्याएँ होती हैं बहुत सारे दिक्कत होते हैं और ये चीज़ें ना ये आप ही टैकल कर सकते हो भाई इन चीज़ों को सोशल मीडिया के अंदर में पावर है ना ठीक है तो उसके कुछ कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हैं मैं तो इसमें अकेला बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि मैंने कुछ बोला भी नहीं ठीक है भाई जो जो जैसा लग रहा है वो कर लो ठीक है लेकिन इन चीजों में जवाब भी आप ही को देना पड़ता है ठीक है अगर मेरे को ही नहीं बहुत सारे एन के एजुकेटर को टारगेट किया गया था तो सारे एजुकेटर जब भी ऐसा होता है तो यार आप ही लोगों को आगे आना चाहिए बिकॉज हम आपके लिए काम कर रहे हैं आपको आगे आना चाहिए तो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट होना चाहिए एंड यू है ऐसा मामलों में आगे आना चाहिए चलिए तो हम फंक्शन की बात कर रहे थे दोस्तों ठीक है ऑल दी नाइन ऑक्यूपेंट्स ऑफ मैन अभी तक सारे के सारे आदमी रहे कोई महिला जो है टॉप पोस्ट पे नहीं आई है लिमिट देखो पांच साल की अवधि होती है एक बार में पांच साल के लिए चुना जाता है अब एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार भी मल्टीपल टर्म्स पे आ सकता है दो बार तीन बार चार बार पांच बार इस पर कोई लिमिट नहीं है लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी व्यक्ति दस साल से ज्यादा जो है इस पद पर रहा हो ठीक है बात समझ में आई दोस्तों अरे ये ट्वीट मतलब ये मैं तो कहता हूँ ये ट्विटर है ही मतलब ये फसाद की जड़ है यार ठीक है ये फसाद की जड़ है ठीक है अब आप आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है मैं मानता हूँ ठीक है आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी यार आप उस वीडियो को देखो मेरा उसमें कोई इंटेंशन नहीं है भाई मैं मानता हूँ वो मिस्टेक है मैप की वो मिस्टेक है दैट इज़ द ऑनेस्ट मिस्टेक बट मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा वो इंटेंशन नहीं है ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडिया का पार्ट नहीं है या फलाना डिमकाना अरे मैं भी देशभक्त भगतूँ यार मेरे से ज़्यादा देश तुम्हारी कोई अलग से देशभक्ति है क्या मैं भी इंडिया का ही हूँ भाई और मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो पार्ट आई इवन मैं तो चाहूंगा कि जल्दी जल्दी उसको इंडिया मिलाया जाए और मैंने वीडियो में बोला भी हुआ है बट ठीक है उनको लग रहा है कि नहीं दिस मास्टर इज एंटी नेशनल ये तो एंटी इंडिया प्रोपगेंडा जो है उसको फैला रहा है हेटरेड को फैला रहा है ये बताओ भाई कहाँ से हेटरेड फैला दी उसमें मैंने मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ सात लाख लोग पढ़ के उस वीडियो से सीख के गए हैं और वो भाई साहब बोल रहा है कि उससे जो है मतलब हेटरेड फैल रही है कहाँ कहाँ उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिए उन सात लाख लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोग हैं अब वो वीडियो तो यार प्राइवेट नहीं है मतलब प्राइवेट हुआ है वो वीडियो तो अब पब्लिक होगा या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है भाई तो मेरे से मत पूछा करो आप हर वीडियो में मेरे से पूछते हो क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैंने जो काम किया मैंने ही तो पढ़ाया था वो मैंने जो काम किया वो वीडियो डाउन हो गया ठीक है मुझे बड़ा खुद बड़ा दुख होता है जब आप ऐसे बोलते हो तो प्रिलिम्स में सवाल कैसे पूछा जा सकता है यूएन सिक्योरिटी जनरल के बारे में पूछा जा सकता है कैसे होता है कौन है ठीक है कैसे चुनाव होता है वगैरह 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 यूएनओ के बारे में अपॉइंटमेंट कैसे होता है उसका प्रोसीजर क्या है और फंक्शन क्या है यूएन सिक्योरिटी मेंबर यूएन जो आपका सिक्योरिटी जनरल है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऐसा पूछा जा सकता है आपसे उसके बाद मेंस पे आ जाते हैं मेंस स्पेसिफिक में क्या कह रहा है डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी जनरल अपॉइंटमेंट अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है यू का यू मैंने अभी पढ़ाया है उसको उठा के चेप देना डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी स्ट्रेट क्वेश्चन है स्ट्रेट लिखना है अगली बात है दोस्तों वर्ल्ड सिकल सेल डे सिकल सेल क्या होता है पता है आपको देखो हमारे जो ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना नॉर्मली वो गोल होता है देखो ऐसे रेड ब्लड सेल्स हमारी गोल होती है बट ये जब ऐसे बनने लग जाए ना सिकल शेप में ऐसे लंबी हो जाए तो फिर दिक्कत होती है तो फिर ये जब ये ब्लड हमारे ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब हमारे वेन से नसों से फैलती है तो ये अटकने लग जाती हैं ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अटकने लग जाती है और उससे प्रॉब्लम होता है ये एक जेनेटिक डिजीज है एक जीन्स जेनेटिक डिजीज है और इससे इस बीमारी से, इस से जो है मुख्यतः अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका एशिया इंडिया यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इसे ग्रसित हैं इस बीमारी के साथ में एक सोशल स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है ट्राइबल लोगों में ज्यादा होती है और इस सोशल स्टिग्मा की वजह से ये लोग जो है इलाज कराने ही नहीं जाते ठीक है मतलब इसको ठीक किया जा सकता है प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह से स्टार्ट ठीक किया जाए एक जेनेटिक डिसऑर्डर है है ना ठीक किया जा सकता है बहुत रेयर केस में भाई आपको बोन मैरो जो है वो भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ठीक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसको ठीक किया जा सकता है कहने का मतलब ये है बट बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल स्टिग्मा के चलते यार जाते ही नहीं है ठीक है इलाज ही नहीं करवाते तो अभी ये जो वर्ल्ड सिकल सेल डे है ये हमने सेलिब्रेट किया कितने उन्नीस जून को ठीक है आज उन्नीस जून है सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे वर्ल्ड सिकल सेल डे अच्छा जब कोई भी डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसके पीछे का परपज क्या होता है टू जनरेट द अवेयरनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग तो वर्ल्ड सिकल सेल डे पे हम किसके प्रति अवेयरनेस अवेयरनेस जनरेट जनरेट करेंगे वी आर गोइंग टू द द अबाउट सिकल सिकल सेल सिकल सेल डिजीज के बारे में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कोई भी दिन सेलिब्रेट होता है ना कोई भी दिन डे कोई भी डे तो डे सेलिब्रेट करने का प, प, जो मतलब होता है वो क्या होता है उस चीज के विषय में अवेयरनेस जनरेट करना प्यारे बच्चों जीएस पर टू से रिलेटेड है आपका दोस्तों ये ठीक है वर्ल्ड सिकल सेल डे 2021 हजार इक्कीस इज ऑब्जर्व इन इंडिया टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द सिकल सेल डिजीज एट द नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को बताने के लिए दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय या विश्व सिकल सेल दिवस 2021 को हम भारत के अंदर में सेलिब्रेट कर रहे हैं दिस डे इज रिकॉग्नाइज बाय द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड टे ऑन द नाइनटीन जून यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है और हर साल 19 जून को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं दो हजार आठ बाईस दिसंबर दो हजार आठ को यू एन ने सोचा कि हाँ यार ये तो एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसके संबंध में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए लोग अवेयर होने चाहिए इसके संबंध में और इसीलिए उस दिन से तो जो फिर हम क्या करते हैं हम इस डे को 19 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे अभी होता क्या देखो ये हमारी ब्लड सेल्स है हमारी ब्लड वेन्स है अब नॉर्मल केस में ब्लड सेल्स हमारी ऐसी होती है देखो राउंड राउंड शेप की गोल गोल होती है ऐसे ऐसे ठीक है तो ये चली जाती है ऐसे इसको बहने में ऐसा होता है तो इनको इधर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी ब्लड सेल्स जो है ठीक है इनसे जो हमारी वेन्स है आर्टरी जो है उनमें से ये आराम से मतलब पास हो सकती है ठीक है आराम से पास हो सकती है आरबीसी फ्लो फ्रीली थ्रू द ब्लड वेसल्स ठीक है रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये फ्रीली आराम से गोल शेप की होती है आराम से निकल जाती तो है तो क्रॉस सेक्शन है आरबीसी का ये नॉर्मल अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है अब एबनॉर्मल अब जो होता है जिसको हम सिकल सेल बोलते हैं ये एबनॉर्मल सेल्स होती है हमारी ये कैसी होती है देखो ऐसे सिकल फॉर्म में होती है ऐसे मतलब ऐसे टेढ़ी मेढी तोरी घिया टाइप की हो जाती है देखो ये लाल मिर्च है ठीक है ये हल्का जो पतला बैंगन होता है उसके शेप की है ठीक है कोई क्या है अब ये क्या करेगा अब ये देखो ये जाके ना इधर ये क्या करते हैं फंस जाते हैं ऐसे अटक गए अभी इधर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा आगे और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन जो हमारे सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं लेके ले जा पाएगा ठीक है तो पूरा सिस्टम ही क्या होगा खराब जो हमारे सेल्स हैं ब्लड सेल्स हैं उनके पास में जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के उनके पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा ठीक है सो so, ये एक बीमारी है ये स्टिकी सिकल सेल है चिपक जाते हैं देखो ऐसे इसके साथ में चिपक गए तो अभी आगे फ्लो ही नहीं होगा ठीक है आगे क्या होगा यहां पर प्यारे बच्चों यहां आपका फ्लो ही नहीं होगा ठीक है सो so, सिकल सेल डिजीज क्या होता है इनहेरिटेड मतलब ये किसी को बीमारी किसी से होती नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको किसी से बीमारी हो जाएगी नहीं भाई ये डिजीज़ जो है ये इट इज़ नॉट इनहेरिट इट इज़ नॉट लाइक ये ऐसे नहीं फैलता ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों ये इनहेरिटेड होता है ठीक है so, सो ये इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है मतलब बच्चे से माँ बाप से बच्चों को ऐसे चलता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन अमंग द पीपल ऑफ अफ्रीका अरेबिया इंडियन ओरिजन यहाँ पे ज्यादा होता है आपका ये इट इज द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ये हिमोग्लोबिनोबिन को क्या करता है प्रभावित करता है द द मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स दैट के अंदर में पाए जाते हैं आपका दोस्तों ठीक है और ये क्या करते हैं आपका ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे बॉडी के अलग अलग भागों के अंदर में क्या करता है ऑक्सीजन लेके जाता है पीपल्स टिपिकल है

ठीक है इसमें ये देखो डंडे टाइप का इन्होंने शेप बना दिया ठीक है ये इन्होंने देखो दिख रहा है आपको ये नॉर्मल केस में तो ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं अब इधर इन्होंने देखो डंडे टाइप के बीच में शेप बना रखी है और इसकी वजह से इसकी ऐसी शेप हो जाती है किसकी जो हमारे ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ऐसी शेप हो जाती है और इनको हम बोलते हैं है हीमोग्लोबिन एस जिसकी वजह से ये शेप जो है रेड ब्लड सेल्स की वो डिस्टॉर्ट होती है दिस ब्लॉक दी ब्लड फ्लो इससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जो मैंने आपको बताया सिम्टम्स क्या है इस बीमारी में क्या क्या होता है आपको इट कैन कॉज सीवियर पेन भाई बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको

एंड इनसे और कभी कभी जो है अस्थि मंजा प्रत्यारोपण जो बोन मेरू होते हैं वो भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ये इसका ट्रीटमेंट है लेकिन चैलेंज क्या है यार सोशल स्टिग्मा जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं ना आधे ज्यादा लोग जो है वो इसको एक सोशल स्टिग्मा के रूप में लेते हैं सामाजिक कलंक के रूप में लेते हैं ठीक है और इसीलिए वो जाते ही नहीं है वो ना टेस्टिंग कराते हैं ना दवाइयां लेते हैं इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम एज द पीपल डोंट वॉन्ट टू द गो टू हेल्थ अथॉरिटीज जो लोग है वो हेल्थ अथॉरिटीज के पास जाते ही नहीं है ट्रीटमेंट कराने टेस्ट कराने अपना ठीक है स अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन ये ट्राइबल पॉपुलेशन में इसकी प्रेविलेंस क्या है ज्यादा जनरली ट्राइबल जो लोग हैं वहाँ पर ज्यादा जो है इसकी प्रेविलेंस है

ठीक है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबीनपैथी हीमोग्लोबिनोपैथी जो हमने 2018 के अंदर में ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी हीमोग्लोबिनो ग्लोबिनोपैथी वो भी यार लेट जो है वो आपका इंप्लीमेंट हुई है उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो डिलेड इंप्लीमेंटेशन हुआ है देर से डिले करके उसको इंप्लीमेंट किया है ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था चैलेंज था द पॉलिसी एम टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स फॉर द पेशेंट्स एंड रिड्यूज द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन्स विद द सिकल अब ये जो पॉलिसी है जो हम बता रहे हैं हीमोग्लोबिनोपैथी जिसको हम बोल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है इसमें हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ताकि जो नए बेबीज है न्यूबॉर्न हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो ठीक है ये हमारा क्या है दोस्तों इसका प्रोग्राम है इसके लिए हम इनिशिएटिव भी ले रहे हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम स्क्रीनिंग एंड पेरेंटल डायग्नोसिस मतलब जब बच्चा पेट में होता है म, मम्मी के ठीक है मदर के तो तभी उसको क्या कर लिया जाता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है उसका डायग्नोसिस किया जाता है कि कहीं इसको सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं होगा ठीक है तो वहीं से इन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है सो so, हम अपनी जो पॉलिसी है उसके तहत वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट ताकि हम इसको क्या कर सकें कंट्रोल कर सकें हम इन चीज़ों को जो है इनके इंसिडेंस को कम कर सकें अब देखो जी एस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है प्रिलिम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा वाई द वर्ल्ड सिकलसेल डे हम क्यों बनाते हैं मैंने बता आपको बताया कोई भी डे सेलिब्रेट करने के पीछे जो हमारा पर्पज होता है वो क्या होता है दोस्तों टू जनरेट द अवेयरनेस अमंग दूसरा क्या है सिकल सेल डिजीज है क्या तीसरा इसके सिम्टम्स क्या है इसका ट्रीटमेंट क्या है इसके चैलेंज क्या है और भारत ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं तो अभी बताया ना मैंने हीमोग्लोबिनोपैथी 2018 में हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका तो सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम स्क्रीनिंग एंड पेरेंटल डायग्नोसिस ये हमारे क्या हैं दोस्तों ये हमारे ए, सरकार के इनिशिएटिव हैं सो ये पेपर में आपसे प्रलिम्स में पूछा जा सकता है मेन्स के लिए सवाल क्या बनता है दोस्तों वॉट इज सिकल सेल एंड हाउ इट डेवलप इन अवर बॉडी

समझो आप सबसे पहले कीवर्ड वर्ड छाटो इंट्रो इंट्रो के अंदर में क्या देखेंगे बच्चों कीवर्ड अब यहां पर कीवर्ड क्या है अब आप नॉर्मली देख रहे हो कीवर्ड है आपका दोस्तों सिकल सेल ठीक है क्या है सिकल सेल सो सिकल सेल को एक्सप्लेन करो सिकल सेल डिजीज है क्या ठीक है सिकल सेल डिजीज है क्या आप ये बताओ सिकल सेल डिजीज है क्या पहली बात सिकल सेल डिजीज क्या है आपने बता दिया ठीक है आप जैसे मैंने आपको बताया कि सिकल सेल्स के अंदर में क्या होता है इसके अंदर में जो हीमोग्लोबिन है जो हमारी शरीर के अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स जो होती है आरबीसी उनमें पाया जाता है आप इसमें लिखोगे तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये डिफेक्टिव हो जाता है और उसका नाम हो जाता है फिर हीमोग्लोबिन एस और इस हीमोग्लोबिन एस के कारण जो सिकल सेल है उसकी शेप जो है वो सिकल टाइप की हो जाती है नॉर्मली वो गोल शेप का होता है बट उसकी सेल शेप कैसी हो जाती है उसकी शेप फिर बाद में जाके आपका आपको ऐसे वेंस भी बना के दिखा देनी है ठीक है ऐसे इस प्रकार से ठीक है आपने बना के दिखा दी ठीक है और उसमें थोड़ा बहुत ब्लड फंसा भी दिखा दो आप ऐसे नॉर्मल टाइप में क्या करोगे डायग्राम बनाओ ठीक है तो गोल गोल दिखाओ उनको ऐसे ठीक है ऐसे गोल गोल करके दिखाओ और जो नॉर्मल से अलग केस है उसमें फिर वो सिकल बना के जैसे अटकाया हुआ मैंने दिखाया था उस प्रकार से उनको बना के दिखा दो कि ये होता है आपका सिकल सेल डिजीज ठीक है तो सिकल सेल में आपने बता दिया उसके बाद अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि हाउ दे डेवलप इन अवर बॉडी बॉडी के अंदर में आप बताओगे क्या इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करो कि हमारे अंदर बॉडी में कैसे डेवलप होती है तो आप बताओगे देखो यार ये डेवलप नहीं होती है कोई बीमारी नहीं है कि जो आपको एक दूसरे व्यक्ति से हो गई हो ये एक इनहेरिटेड डिजीज है ठीक है इनहेरिटेड डिजीज मतलब अगर किसी की पेरेंट्स में है तो बच्चों को यह क्या हो सकता है डिजीज आपका हो सकता है इसके सिम्टम्स बताने हैं क्या क्या होता है भाई चेस्ट में पेन होता है ठीक है फटीक रहता है डिजीनेस रहती है नॉर्मल केस में ठीक है और बहुत सीवियर केस में क्या होता है डेथ भी हो जाती है बहुत ज्यादा पेन भी होता है

हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का थोड़ा सा डिले होना सरकार के द्वारा लेट कदम उठाना दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन 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 दिस केस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं क्या पॉलिसी मेजर्स हैं तो आप बताओगे कि 2018 के अंदर हमारा डिटेल गाइडलाइन आया जिसका नाम है हीमोग्लोबिनो ग्लोबिनोपैथीज जिसके तहत में हम डिटेल से इसको अच्छे से इसको क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं हम जब बच्चा पेट में होता है वहाँ पे तो वहाँ पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पर वो ठीक हो और हमारी ये भी प्रयास है ठीक है कि माँ बाप को पेश जो है स्क्रीन किया जाए ताकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर में कम से कम ये हो। so सारी में, से ये बीमारी सबसे ज्यादा जो हमारी हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है दोस्तों करंट अफेयर तो में पढ़ा दिया तो नहीं अगर होता तो मैं इसको पढ़ाता नहीं आपको पता नहीं चलता तो अवेयरनेस कैसे फैलती ऐसे ही इसी प्रकार से जो यूएन है उसको पता है कि ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है 2008 में उसको लगा कि इट्स अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न लोगों की हेल्थ जो इससे प्रभावित हो रही है तो उसने इसको क्या कर दिया अनाउंस कर दिया कि भाई ठीक है 19 जून को हम विश्व सिकल सेल डे के रूप में मनाएंगे ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो सके कि ये ट्रीटेबल डिजीज है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंट्रोडक्शन में आप यह भी बता दोगे कि सिकल सेल डिजीज है मुख्यतः आपका एशिया ठीक है इंडिया वाले भाग में अरेबिया और अफ्रीका यहां पर इसके केसेस क्या है ज्यादा है लिख दोगे आराम से लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आते हैं दोस्तों हम किसमें कोलंबो ऑयल स्पिल कोलंबो ऑयल स्पिल के बारे में बात कर लेते हैं तो अभी श्रीलंका की अथॉरिटीज ने बताया है भारत को क्या बताया कि चेन्नई से साढ़े चार सौ किलोमीटर दूर ठीक है आपका तेल जो है उसका रिसाव हुआ है ऑयल का रिसाव हुआ है अभी जो ऑयल का रिसाव हुआ है ये किससे हुआ है तो पुर्तगाल का झंडा लगा के एक फ्लैग है जो चल रहा है कहां से कोलंबो से हल्दिया तक जा रहा है ठीक है उसमें पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ है और उसका जो फ्यूल टैंक है ठीक है अंडर वाटर जो फ्यूल टैंक होता है उसमें रिसाव हुआ है और उसकी वजह से ये जो है आपका ऑयल जो स्पिल है यहाँ पे हुआ है समुद्र के अंदर में ऑयल और इस ऑयल के अंदर में सल्फ़र भी है लो सल्फ़र कंटेंट इसके अंदर में है और सल्फर से क्या होता है याद करो मैंने बता था। बताया था सल्फर पॉइजनिंग ठीक है सल्फ़र पॉइजनिंग अरे आप इमेच्योर डेथ भूत बन जाते हो बताया था कि नहीं बताया था पॉल्यूशन के अंदर सर हम नहीं पढ़ते <laughs> हम बाकी क्लास नहीं देखते हम तो यही क्लास देखते हैं करंट अफेयर ही देखते हैं कोलंबो एल्सपील सारी क्लास देखा करो दिस चैनल इज द बेस्ट चैनल मैं आपको बता रहा हूँ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी दिस इज द बेस्ट चैनल गाइस ट्रस्ट मी ट्रक ठीक है मैं आपको सच बता रहा हूँ ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट चैनल ठीक है यकीन मानो आप उसके बाद में कोलंबो ऑयल स्पिल की मैं बात कर रहा हूँ ऑयल स्पिल के बारे में बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई ठीक है तो तेल जो है उसका रिसाव हो रहा है अब जो तेल का रिसाव होता है ना भाई ये बहुत खतरनाक इट्स अ मेजर इकोलॉजिकल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अर्थ क्योंकि पानी के अंदर में जब ऑयल का रिसाव होता है तो क्या होता है आपको भी पता है देखो ऑयल पानी से हल्का होता है तो जैसे ही ये पानी में गिरेगा ना तो पानी के ऊपर एक ब्लैक कलर की परत बना देगा चद्दर बना देगा काले रंग की ना चद्दर बना देगा अब ये जो चद्दर बन गई ना ब्लैक कलर की अब होगा क्या सनलाइट अंदर जाएगी नहीं भाई चादर बनगी ना ऊपर तो सूरज की लाइट अंदर जाएगी नहीं अब जब सनलाइट अंदर नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा उससे अंदर समुद्र के अंदर में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी प्रकाश संश्लेषण उसके अंदर में नहीं होगा और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अंदर ऑक्सीजन का डिप्लीशन ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो जाएगी डिप्लीट हो जाएगी ऑक्सीजन स्टार्ट डिप्लीटिंग ऑक्सीजन डिप्लीट हो गई अब ऑक्सीजन जब डिप्लीट होने लगेगी तो मराइन जो बर्ड्स है हो है। होते हैं ठीक है वो इंसुलेट होते हैं मतलब पानी वानी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है उनके ऊपर लेयरिंग होती है तो वो इंसुलेटिंग फीचर जो उनका पंखों का वो खत्म हो जाता है अगर वो इसमें नहा लेते हैं इस तेल में नहा लेते हैं तेल वाले पानी में तो, तो वो दिक्कत है फिर फिर उनको हाइपोथर्मिया हो जाता है पंख उनके गीले रहते हैं सूख नहीं पाते और हाइपोथर्मिया से उनकी डेथ हो जाती है साथ ही साथ में ये जब आपने ऑयल स्पिल यहाँ किया तो यहाँ पर जो समुद्री ऑर्गेनिज्म है ठीक है जो इसमें रहते हैं अगर ये उनकी उनके फूड चेन में जाएगा ऑब्वियस बात है तो वो भी टॉक्सिक प्रभाव जो है यहाँ से जनरेट करेगा तो ये सारे इसके क्या हैं दोस्तों दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ऑयल स्पिल तो ये हमें बात करनी है कोलम्बो स्पिल जीएस पेपर तीन से रिलेटेड है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखते हैं ठीक है उनसे अनुरोध है मेरा कि ऐसा ना करें जो वीडियो का टाइमिंग होता है देखो डिसिप्लिन जो है स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट की लाइफ में बहुत मैं टीचर हूँ कभी कभी मैं मानता हूँ कि सर आप तो डिसिप्लिन की बात करते हो आप खुद कई बार रेगुलर नहीं होते हैं। यार मेरा अलग है मैं टीचर हूँ ठीक है आप स्टूडेंट हो अभी आपको जो है अपने पे ध्यान देना है सो एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा महत्व होता है आप हर चीज को टालो मत ठीक है हर चीज को एक छोटी सी आदत बनाओ किसी चीज़ को टालो मत ठीक है जो करना है वो अभी करना है नहीं तो बाद में नहीं करना बस ये बात मान लो अब आप क्या करते है? नहीं नहीं ठीक है बाद में देखेंगे अभी सुबह उठे बाद ये बाद की आदत जो है वो क्या कर दो कम कर दो क्योंकि अब अगर इस लेक्चर को बाद में देखोगे तो फिर बाद के लेक्चर आप नहीं देख पाओगे फिर सारी चीजों में बाद ही बाद होने लगेगी और डिले हो जाएगा और जैसे जैसे ये डिले होता है ना काम पेंडिंग जाता है बर्डन होने लगता है सर के ऊपर फिर आपको धीरे धीरे ये भी लगने लगता है कि नहीं यार अब तैयारी नहीं हो पाएगी मेरे से ठीक है सो so, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो बच्चे इस लेक्चर को बाद में देखते हैं अगर देखो बहुत जेनविन कंसर्न है ठीक है तो अलग बात है ठीक है उसमें कुछ कर नहीं सकते बट हाँ लॉस तो उसके इसमें भी है ही आपका ठीक है क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें कुछ करना नहीं है आपको जस्ट ईयरफोन कान में डालने हैं और सुनना है आपको है ना ईयरफोन कान में डालना है सुनना है समझना है आपको आराम से समझ में आ जाएगा यू कैन डू योर वर्क ठीक है आप जॉब कर रहे हो कर लो कान में ईयरफोन डाल लो ठीक है और सुनते रहो बस चीज़ों को सुनते रहो बाद में एक बार जब पी आपको मिल जाएगी पी से एक बार इसको देख लो ठीक है एक बार मेरे साथ श्याम में टेस्ट दे लो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लेकिन इसको टालो मत यार ठीक है कोई भी क्लास जो होती है आप उसको टालो मत पॉडकास्ट भी तो सुनते हो तो इसका पॉडकास्ट सुन लो जो नहीं देख पाता है इस वीडियो को तुरंत देखने की जरूरत नहीं है आप पॉडकास्ट सुन लो मतलब सुन लो ईयरफोन डाल लो कान में और सुन लो कोशिश करो कि समय पर जो जिस समय पे चल रहा है उसको उसी समय पे निपटा दो आप ठीक है ये बेटर है ज्यादा आपके लिए अच्छा जी एस पेपर तीन से रिलेटेड है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन आंसर भी आपसे इस पे आंसर भी मैं आपसे लिखवा चुका हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एम आर सी सी कोलम्बो अबाउट द मिड सी ऑयल स्पिल अबाउट चार सौ पचास किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई चेन्नई से लगभग साढ़े चार सौ किलोमीटर दूर जो है ये आपका ऑयल स्पिल जो है ये हुआ है अभी इसकी इंफॉर्मेशन मिली है ये पुर्तगीज फ्लैग कंटेनर है शिप है जिसका नाम है एम बी ये यहाँ से गुजर रहा था कोलंबो से हल्दिया में जा रहा था फिर इसके जो फ्यूल टैंक में क्या हो गया लीक हो गया तो 120 किलो लीटर किलोलीटर का इसका फ्यूल टैंक है और इसके फ्यूल के अंदर में सल्फर भी उपस्थित है लो सल्फर जो है इसके उसमें उपस्थित है हम ऑयल स्पिल कहते किसको हैं दोस्तों देखो जब भी हमारे से अनकंट्रोल्ड रिलीज हो जाए क्रूड ऑयल का गैसोलीन का ठीक है या किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एन्वायरमेंट के अंदर तो उसको हम ऑयल स्पिल कहते हैं अनकंट्रोल्ड होना चाहिए वो ठीक है ऑयल स्पिल कहते हैं ऑयल स्पिल जो है इट कैन पॉल्यूट लैंड एयर वाटर ठीक है हर चीज़ को ये क्या कर सकता है दोस्तों आपका पॉल्यूट कर सकता है इसके पीछे इसके पास ये होता है बट जनरली जब हम ऑयल स्पिल का यूज़ करते हैं ना टम का तो हम ओशियन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं कि तेल का रिसाव कहाँ हुआ है ज्यादातर हम समुद्री तेल रिसाव के लिए इसका इस्तेमाल जो है ऑयल स्पिल टम का वो हम यहां पर करते हैं कॉज क्या है सर इसके कारण क्या है किसकी वजह से ऐसा होता है सो दे हैव बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम चीफली एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिफाइड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल ज्यादातर आजकल ये जो दिक्कतें हैं ये क्यों हो रही हैं देखो ये दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो जो तेल होता है क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल पेट्रोलियम इसका ट्रांसपोर्ट हम ज्यादातर समुद्र के माध्यम से ही करते हैं ठीक है तो वो बात है दूसरा क्या है जो हमारी कॉन्टिनेंटल सेल्स होती है उसके ऊपर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं आजकल जैसे समुद्र है बॉम्बे हाई क्या है? समुद्र के अंदर जाकर तो उससे भी दिक्कत हो रही है कॉन्टिनेंट सेल्फ से हम ऑयल हम ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो वो एक दिक्कत है दोस्तों अब कह रहा है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है दोस्तों एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत है बहुत बुरी तरीके से हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है हमारा जो जलीय जीवन है उसको बहुत हानिकारक है उसके लिए बहुत बुरी रूप से उसको क्या करता है प्रभावित करता है क्योंकि मैंने आपको बताया ये हल्का होता है तेल तो ये क्या करता है जब कच्चा तेल या तेल ऊपर गिर जाता है ना तो पानी के ऊपर ही एक परत बना देता है जिससे सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती जिससे अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बंद हो जाती है एंड इट लीड्स टू द हाइपॉक्सी कंडीशन ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और इससे आपका

हम अरेस्टर स्क्रबर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड फायर हम बहुत सारी चीज़ें जो इनका इस्तेमाल करते हैं इसके लिए परंतु जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 10 प्रतिशत जब ऑयल स्पिल हो जाता है ना समुद्र के अंदर तो केवल 10 प्रतिशत ऑयल ही है जिसको आप क्या कर पाते हो रिमूव कर पाते हो ठीक है अदरवाइज तो कुछ नहीं कर पाते ऑयल फैल जाता है तो ठीक है उसको कलेक्ट कर लिया रिमूव कर लिया कंट्रोल्ड फायर लगा दी उसके ऊपर आग लगा के जला दिया ठीक है या स्क्रबर होते हैं मेरे पास अरेस्टर होते हैं जिससे हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन कुछ भी कर लो आप आजकल तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है ठीक है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं इस ऑयल को खा लेते हैं इंजेस्ट कर लेते हैं खा के इसको ऐसी चीजों में बदल देते हैं जो फिर समुद्र में पानी के लिए हानिकारक ना हो लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी कर लो लेकिन केवल 10 प्रतिशत ऑयल्स पिली जो है ना उसको आप ठीक कर पाओगे बाकी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट आपसे आपको याद नहीं है 1.5 के लाइक्स का टारगेट है लाइव सेशन के अंदर बाकी जो बाद में देखेंगे उनको भी यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जो है वो करना है जो बाद में इस वीडियो को देखते हैं ठीक है सो प्लीज यार जो बच्चों ने इन्होंने मेहनत की है जो लाइव में देखते हैं जो बाद में देखेंगे आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं जिस प्रकार से सपोर्ट, कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करना। तो प्यारे बच्चों है, है? -फट बच्चो, रिलेटेड सर्च में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ लेना भारत तटरक्षक के बारे में किस मंत्रालय के अंडर में आता है ठीक है कैसे कैसे काम करता है सारी बातें आपको देख लेनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रलिम स्पेसिफिक में आ जाते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट अबाउट द द ऑयल ऑयल स्पिल स्पिल क्या है पूछा जा सकता है आपसे इसके एनवायरमेंट इंपैक्ट कहते हैं और इसको क्लीन कैसे करते हैं आपको जब इकोलॉजी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था ठीक है तब भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसके बारे में देख लेना कि इसको क्लीन कैसे करते हैं अरेस्टर स्क्रबर कंट्रोल्ड फायर ठीक है माइक्रोबैक्टीरिया ये चार पांच तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं इस ऑयल को रिमूव कर सकते हैं बट इफेक्टिव कोई भी नहीं है ठीक है हंड्रेड मेंस में भी मेरा सवाल यही है कि व्हाट इज द ऑयल स्पिल ऑयल स्पिल होता क्या तो अभी मैंने बताई दिया ऑयल स्पिल क्या होता है अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द पेट्रोलियम और द क्रूड ऑयल्स इनटू द एनवायरनमेंट इज नोन एज द ऑयल स्पिल जनरली ऑयल जो है इट कैन पॉल्यूट द एयर वाटर ठीक है दोनों को पॉल्यूट कर सकता है एंड द एटमोसफेयर बट वेन एवर वी यूज द टर्म ऑयल स्पिल वी यूज इट फॉर द ओशोनिक ऑयल स्पिल हम ओशोनिक पॉल्यूशन के लिए इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं ये इंट्रोडक्शन में हो गया सो so, इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स क्या है मेरे पास दोस्तों की है मेरे पास ऑयल स्पिल सो ऑयल स्पिल के बारे में मैंने इसमें बता दिया पूरा का पूरा ठीक है उसके बाद में बॉडी के अंदर में क्या बात करते हैं देखो कैसे ये होता है ठीक है तो कैसे होता है पहले कारण भी बताओगे आप बताओगे कि यार ये होता है आपका आजकल जो एक तो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं समुद्र के माध्यम से क्रूड ऑयल को जो वेसल्स होते हैं हमारे वो दूसरा क्या होता है दोस्तों कई बार नेविगेशन में प्रॉब्लम आ जाती है दो जहाजे टकरा जाते हैं उनसे भी ऐसा होता है ठीक है पायरेसी भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इस केस में ठीक है 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 उसके बात अगर मैं करता आपका आपका तो जो ऑयल ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन कॉन्टिनेंटल दैट इज प्रॉब्लम जो इस प्रकार की सिचुएशन को क्या कर रहे हैं एग्रवेट कर रहे हैं क्या प्रभाव होते हैं वो भी आप लिख देना इसको आपको इंपैक्ट भी लिखना है अभी मैंने आपको बताया इम्पैक्ट क्या होता है कि इकोलॉजी को बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करता है जो जीव इसको खा लेते हैं

कि भाई कुछ भी कर लो ठीक है एक्सपर्ट का मानना है केवल दस परसेंट ऑयली आप क्लीन कर सकते हो आप स्क्रबर से क्लीन कर दो अरेस्टर लगा दो कुछ भी कर दो आप दस परसेंट ऑयली आप क्या कर सकते हो क्लीन कर सकते हो इवन जो आजकल माइक्रो बैक्टीरिया है वो भी इसको 100 परसेंट क्लीन नहीं कर पाते ठीक है उसमें भी लिमिटेशन है वो मेथड बहुत कॉस्टली होता है माइक्रो बैक्टीरिया वाला जो मेथड है जिसमें हम ऐसे बैक्टीरिया बनाए हुए हैं हमने ठीक है वो बैक्टीरिया तेल को खा के खत्म कर देते हैं ठीक है तेल को खा जाएंगे एंड दे विल कन्वर्ट द तेल इंटू द लेस हार्मफुल कंपोनेंट्स लेस हार्मफुल सब्सटांस इंटू द ओशियन जिससे ओशियन प्रभावित नहीं होता बट वो तरीका भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा कारगर नहीं है ठीक है ये सब हो गया आप लिख लोगे बहुत अच्छे से एटलस ऑन जनरल इलेक्शन 2019 प्यारे बच्चों 2019 का जो जनरल इलेक्शन था ना वो वर्ल्ड के अंदर इतिहास था नॉट इवन इंडिया वर्ल्ड के अंदर उन्होंने हिस्ट्री बनाई है दुनिया के अंदर में पहली इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस थी इतना बड़ा डेमोक्रेटिकली एक फेस्टिवल था वो जिसमें इतने सारे लोगों ने क्या किया था भाग लिया था लगभग अड़सठ करोड़ लोगों ने उसके अंदर में क्या लिया था भाग लिया था जो अब तक सबसे बड़ा है लगभग लगभग अगर हम बात करें मतलब बत्तीस लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो भारत फैला है उसमें कई लाखों जो है हमारे पोलिंग स्टेशन लगाए गए थे और उसमें अड़सठ करोड़ लोगों ने लगभग लगभग उसमें भाग लिया था अब 2019 के इस इलेक्शन के बारे में हमारे जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने एक एटलस जारी की है पूरी इस एटलस का काम क्या है? ये एटलस हमें बेसिकली यही दिखाती है बताती है जो 2019 के इलेक्शन के जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमें बताती है तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एटलस ऑन जनरल इसमें वही बात होगी कि मेल कितना लोगों ने वोटिंग किया फीमेल वोटिंग रेशू क्या था यही सब इसके अंदर में बताया जाएगा ठीक है तो इसमें दो का जो इलेक्शन था उसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है संपूर्ण वो आपका दी गई है एटल जनरल इलेक्शन ट्वेंटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा रिलीज जनरल इलेक्शन टू थाउजेंड नाइन दस ठीक है इलेक्शन जनरल इलेक्शन दो हजार उन्नीस के लिए एटलेस जो है वो जारी इस एटल्स में लिखा क्या अबाउट द एटलेस में अगर बताऊं दस जो है इट एन कंपासिगर ऑफ दिस मॉन्यूमेंटल इवेंट्स इट हैज 42 थीमेटिक मैप्स एंड 90 19 टेबल्स बयालीस मैप और 90 टेबल है इसके अंदर जिसमें इस इलेक्शन के फैक्ट्स के बारे में एटल्स कुछ नहीं है फैक्ट्स बताएं 2019 के इलेक्शन में की जो बातें वो बताई गई है इसमें और कुछ भी नहीं बताया गया वाईज एटलस वाई दिस एटलस ये क्यों किया जाता है मैंने बताया देखो उन्नीस सौ इक्यावन बावन से हमने पहली बार इलेक्शन तब कराया था तब से लेकर <coughs> अगर मैं अब तक बात करूँ तो हर जनरल इलेक्शन का डेटा जो है हम इस प्रकार से प्रकाशित करते हैं इसी प्रकार से जो सत्रहवा जनरल इलेक्शन हुआ था मतलब 2019 के अंदर में सत्रहवीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी ऐसी एक्सरसाइज है इसमें कुल मिला के 61 करोड़ लोगों ने क्या किया था वोटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत के अंदर में अलग अलग दस लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन वोटिंग स्टेशन बनाए गए थे और पूरे 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लोग जो है भारत की पूरी टेरिटरी के लोगों ने इसमें किया था बहुत सारी जगह ऐसी जहां महिलाएं ज्यादा वोट डाली तो यह सारा डेटा जो है सामने अब सर इस डेटा का, का क्या काम है भाई ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का नेक्स्ट अगला जो जनरल इलेक्शन होने वाला है दो हजार चौबीस के अंदर उसकी प्लानिंग इसी के आधार पर होगी ठीक है

डेटा को दिखाते हैं एक हम पूरा चार्ट इसमें बनाते हैं ठीक है रेशियो के बारे में बताते हैं पिछले बार से कंपेयर करते हैं दो जर, ठीक है हम जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं कि भाई महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन करूँ तो कितनी महिलाओं ने वोट डाला है कितने पुरुषों ने वोट डाला है ये सारी बातें इसके अंदर हम बताते हैं द इलेक्टर जो है जेंडर रेशियो विच हैज शोन पॉजिटिव ट्रेंड सिंस 1971 वाज नाइनटीन सेवेंटी दो हजार सत्रह जनरल इलेक्शन मतलब अगर हजार लोगों ने वोट डाला था तो 926 महिलाओं ने हजार लोगों पे 926 महिलाओं ने वोट डाला तो ये एक अच्छी बात को बता रहा है कि किस प्रकार से हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर में महिलाएं जो है वो भी इस वोटिंग प्रोसेस में इस वोटिंग एक्सरसाइज में बढ़ चढ़ के क्या कर रही हैं भाग ले रही हैं हिस्सा ले रही हैं तो वो भी एक अच्छी बात है जो हम इस, इसके माध्यम से आपका यहाँ पर देख पाते हैं ठीक है तो ये एटल्स की बात हमने बताई अब बात करते हैं इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ़ मेडिकल डिवाइस प्लस स्कीम तो जो भारत के अंदर में मेडिकल डिवाइस नहीं बेचे जाते हैं ठीक है जो मेडिकल डिवाइस उपकरण भारत के अंदर में अलग अलग उपकरण जो सेल किए जाते हैं तो बच्चों उनके अंदर में उनकी जो क्वालिटी इन्शोर करना जो है वो एक बड़ी ही चैलेंजिंग और ट्रबलसम टास्क होती है तो उसकी कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जाए ताकि भारत के अंदर में जो भी मेडिकल डिवाइस मेडिकल उपकरण जो है आपके भारत के अंदर में अवेलेबल होते हैं बेचे जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों उसके लिए एक नई स्कीम जो है यहाँ पर वो लॉन्च की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि करंट अफेयर में आया था तो आई हैव टू डिस्कस दिस थिंग सो क्वालिटी काउंसिल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एंड द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन मैनुफैक्चर्स ऑफ मेडिकल डिवाइस हैव एडिड फर्दर फीचर्स टू द आईसीएमडी स्कीम ठीक है आई स्कीम दैट हैड बीन लॉन्च्ड और द सर्टिफिकेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइस इन 2016 2016 में हमने एक स्कीम ले लॉन्च की थी जिसमें हम को, हमारा प्रयास था कि जो भारत के अंदर में मेडिकल डिवाइस सेल किए जाते हैं बेचे जाते हैं किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता को उत्तम बनाया जाए उसके लिए एक स्कीम लॉन्च हुई थी दो के अंदर उसके अंदर में कुछ नए फीचर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर क्या किए गए हैं एड किए गए हैं ठीक है एड किए गए हैं ठीक है। है का का मेडिकल डिवाइस है? है, तो, ये बात याद रखनी है. Device, तो इस के अंदर में जो मेडिकल डिवाइस हम यूज करते हैं उनकी सेफ्टी और उनकी प्रभावकारिता कितनी है गुणवत्ता सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन जो है ये करी किया जाएगा इस के तहत में आईसीएम वन थ्री फोर एट फाइव प्लस हैज बीन डिजाइन टू इंटीग्रेट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड क्वालिटी वैलिडेशन प्रोसेस ठीक है बस कुछ नहीं है बस बुला 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 वही कहानी है ये पहली इस प्रकार की स्कीम है पूरी दुनिया के अंदर में जिससे हम जो अपना मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम क्वालिटी को वेरीफाई कर रहे हैं चेक कर रहे हैं पूरी दुनिया में पहली ऐसी ए स्कीम है ठीक है मैथ तो क्या यार मैथ तो सिंपल सी बात है मैथ तो यही है भाई जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ना ठीक है वो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे बस यही बात है तो हमें मेडिकल जो हमारा है ठीक है मेडिकल फील्ड जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें हमें फायदा होगा तो ये क्या है दोस्तों इसका ये महत्व तो है ये इसका सिग्निफिकेंस है ठीक है सो एक बार पढ़ लेना इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अच्छा ये है आपका ई यू एन ए वी फोर एंड इंडियन नेवी एक्सरसाइज नाम दिख रहा है आपको यूरोपियन यूनियन नेवी ठीक है इनकी क्या हुई है यूरोपियन नेवी यूरोपियन यूनियन है ना जो ई यू जिसमें सत्ताईस देश हैं ट्वेंटी सेवन मेंबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है समूह है यूरोपियन यूनियन वो भारत के साथ में क्या कर रहा है एक एक्सरसाइज कर रहा है कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है ठीक है सर चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है या बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा है नहीं भाई अरे ड्रिल हो रही है नेवी ड्रिल हो रही है कहां पर पता है आपको ठीक है नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूँ तो जब एक्सरसाइज होती है इसका भी पर्पज एक ही होता है जो मैंने आपको बताया था इसका पर्पज होता है कि इंट्रो को बढ़ाना भारत के अंदर भारत की भी सेना है अब देखो वास्तविक युद्ध तो पता नहीं हो ना हो कब हो कुछ नहीं पता है नहीं वास्तविक युद्ध से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले टेस्ट पेपर लगाते हो टेस्ट सीरीज करते हो कि नहीं करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है टेस्ट सीरीज करने का टेस्ट पेपर करने का उद्देश्य ये होता है कि आप उस चीज के बारे में जान पाओ ठीक है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके समक्ष आ जाती है तो किस प्रकार से उसको टैकल करना है हैंडल करना है तो ये एक्सरसाइज इसीलिए की जाती है ताकि आपकी जो वॉर कैपेबिलिटी है उसका फोन कर सको सींग पहनने कर सको आप लड़ाई के लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी मान लो युद्ध कल को हो जाता है तो आपको किसी की सहायता लेनी पड़ जाए तो अगर कोई देश आपकी सहायता में आता है तो आप उसके साथ में बना सको इन सब के लिए इसको किया जाता है तो यूरोपियन यूनियन की जो नेवी है और भारतीय नेवी जो है उसकी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है कहां पर दोस्तों गल्फ ऑफ एडेन के अंदर कहां पर हो रही है दोस्तों गल्फ ऑफ एडेन के अंदर दिस इज द मेडन इंडियन एक्सरसाइज ये पहला भारतीय नौसेना और यूरोपियन संघ नौसेना बल का पहला है याद रखना फर्स्ट एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों टाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी समुद्र के अंदर में सिक्योरिटी और सेफ्टी को क्या करना प्रमोट करना ठीक है पहली है, गल्फ एडन, अब गल्फ एडन है, ये ठीक है? आपका गल्फ ऑफ एडन कहा है यह रहा गल्फ ऑफ एडन so, गल्फ ऑफ एडन को और रेड सी को जोड़ता कौन है बबल मंदप ठीक है बबल जो मंदप है यह जोड़ता है आपका डिजी बाउटी दर, ठीक है ये बबल मंदप है रेड सी है ऊपर ऊपर आपको स्वेज कैनाल होगी यहां पर ठीक है तो आपको पता है यहां से यहां से स्वेज कैनाल ये ट्रेड रूट भी है आपका 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 ये 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 क्या है 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 दोस्तों आपका ट्रेड रूट भी ठीक है, डन है, और अरब सागर गल्फ उमान, गल्फ उमान, गल्फ ऑफ 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 ओमान ओमान इसके बाद में इधर पर्शियन गल्फ है इधर है गल्फ ऑफ एडेन ठीक है सो अगर मैप में देखोगे तो यहां पर दिस इज द गल्फ ऑफ एडेन यहां पर है ठीक है इंडिया का साथ में देखोगे दिस इज गल्फ ऑफ मेडन यहां से तो भारत यहां पे आया है और गल्फ ऑफ एडन के अंदर चार देशों की नेवी इसके अंदर में भाग ले रही है ये दो दिन की एक्सरसाइज है कितने दिन की दो दिन की शिप ऑफ फोर नेवीज विल बी एंडेवर्स टू एनहेंस देयर होन सिंग पहनने करने की कोशिश करेंगी वो अपने ठीक है वॉर फाइटिंग स्किल्स को तैयार कर देख करेंगी एंड एबिलिटी टू इंटीग्रेटेड फोर्सेज टू प्रोमोट पीस एंड सिक्योरिटीज स्टेबिलिटी इन द मेरी टाइम डोमेन ये कर क्यों रहे हैं दोस्तों इनका करने का पर्पज क्या है ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो मेरी टाइम सिक्योरिटी है मेरीन टाइम पीस जो है इस क्षेत्र के अंदर में वो आपकी क्या हो इनक्रीज हो इसीलिए हम यहाँ पर ये यह बात यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है समझ में आ रही बात आपको भारत की तरफ से आई एन एस त्रिकंद जो है इस मिशन के अंदर में उसको डिप्लॉय किया गया एक एंटी पायरसी ऑपरेशन के अंदर में आई एन एस त्रिकंद का हम इस्तेमाल करते हैं ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है अदर वारशिप जो है वो देखो इटली की है आई एस एन ये अभी सबका नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है इस एक्सरसाइज में बहुत प्रकार की ड्रिल होगी हाई टेम्पो नेवल ऑपरेशन सी इंक्लूडिंग एडवांस एयर डिफेंस हवा में कैसे समुद्र से मतलब हवा में कैसे डिफेंस करें सबमराइन को कैसे टैकल करें हेलीकॉप्टर ऑपरेशन किए जाएंगे इस पर अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है महत्व तो इनका क्या है दोस्तों महत्व तो इनका है मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि इस एरिया में सिक्योरिटी हो मरीन टाइम डोमेन के अंदर में तो ये हमारा क्या है पर्पज़ है समझ में आया सभी बच्चों को समझ में आया भाई सभी समझ में आया भाई थैंक <coughs> यू नमन थैंक यू यार आपकी तरफ से टू के आपने बोल दिया तो मतलब टू के हो गया ठीक है आपने बोल दिया हो गया मैंने मान लिया हो गया ठीक है थैंक यू और बाकी बच्चों के लिए भी थैंक यू यार जो इस प्रकार से आप लोगों ने सपोर्ट किया है और आप वन अच्छा नंबर है ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक मैं खत्म करूंगा वी विल क्रॉस वन पॉइंट फोर एंड वी विल वेरी क्लोज टू द क्लोज टू द वन पॉइंट फाइव के थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट एंड ये जो आप एप्रिशिएट कर रहे हो इस चीज़ को थैंक यू यार अगली बात है लॉस ऑफ द सेफ हार्बर ये क्या होता है लॉस ऑफ द सेफ हार्बर क्या है याद है अभी भारत के अंदर में हमने आईटी रूल बनाया था जो 26 मई से लागू हो गया कल परसों मैंने पढ़ाया भी था ठीक है अब ट्विटर ने उसके साथ कंप्लाई नहीं किया तो ट्विटर का जो सोशल मीडिया का इंटरमीडिएटरीज का टैग था वो छिन गया है मीडिया में अब मुझे तो एग्जैक्ट तो नहीं पता छीना कि नहीं छीना बट हाँ भाई रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है कई पता चला इसको भी लेके कुछ लोग ट्विटर पे चले गए तो रिपोर्ट आ रही है मीडिया अलग अलग जगह से न्यूज मुझे मिली तो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए टॉपिक बनाना चाहिए तो मैंने सेफ हार्बर पर टॉपिक बनाया कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज था जो पहले ट्विटर ठीक है एक इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियट था क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर इसके ऊपर रजिस्टर्ड है माइक्रो ब्लॉगिंग जो है साइट है ये आपका और ये जो साइट है प्यारे बच्चों यहाँ पर बेसिकली सरकार कई दिनों से इनको कह रही थी कि भैया कंप्लाई कर लो कंप्लाई कर लो कंप्लाई कर लो बट ये लोग नहीं कर रहे थे तो इसीलिए सरकार ने क्या किया भाई इसीलिए भारत सरकार ने मानना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि इसका जो इंटरमीडिएटरीज़ का खिताब है वो हटा मतलब जिनको इंटरमीडियटरीज का टैग देते हैं वो हटा दिया गया है इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या होता है देखो इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं ना सोशल मीडिया इंटरमीडिएट ये हमारे आईटी एक्ट के सेक्शन है उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट होते हैं प्रोटेक्ट का मतलब क्या है इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है एक सिर्फ बातों को आगे फैला रहे एक मीडियम है माध्यम है एक व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए दूसरे लोगों को एक माध्यम का इस्तेमाल करता है तो इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है कि वो माध्यम प्रोवाइड कर रहा है बस अब उस कंटेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है मान के चलो कोई कंटेंट है मैंने कुछ ट्विटर पे ट्वीट किया और उसकी वजह से कोई या तो कोई दंगा हो गया या किसी की डेथ हो गई ठीक है तो इसमें ट्विटर की कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर ट्विटर ने कोर्ट और अथॉरिटी के निर्देशों को पालन किया और समय रहते उस ट्विटर को या उस कंटेंट को वहाँ से क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है तो ये प्रोटेक्टेड होते हैं आईटी एक्ट के अंडर में अगर वो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज का टैग उनके पास होता है तो और अगर टैग नहीं होता है तो इसका मतलब अगर किसी के ट्वीट से कोई दंगा या किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों ट्विटर की होगी उस पर्टिकुलर जो है वेबसाइट्स उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की होगी ठीक है सो अब इनका जो इंटरमीडिएटरीज़ का टैग हट गया है इसका मतलब अगर ट्विटर पे कुछ भी लिखा गया और उसकी वजह से कई दंगे या मौत हुई डेथ हुई तो उसका जो सारा जो है ठीकरा फूटेगा किस पे ट्विटर के ऊपर ठीक है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि ट्विटर हैज लॉस्ट लॉस्ट इट्स इंटरमीडिएटरी स्टेटस वो गायब हो गया उसका

दिस इंक्लूड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्च इंजन ऑनलाइन पेमेंट साइट ऑनलाइन ऑप्शन साइट्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड इवन द साइबर स्पेस साइबर कैफे प्लीज नॉट इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है इट इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ये इंटरमीडिएटरी का स्टेटस सरकार नहीं देती है ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई रजिस्ट्रेशन दे रखा आपको नहीं अगर आप नॉर्म्स को कंप्लाइट कर रहे हो ठीक है अगर किसी देश के अंदर में कोई कानून बना और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो ठीक है और अगर आप नहीं करते हो तो आपको यहां पर क्या होगी उसमें केस में आपको दिक्कत होगी ठीक है बेनिफिट क्या है दोस्तों स्टेटस का मैंने बताया जो हमारा सेक्शन सेवेंटी नाइन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उसके तहत में इनको प्रोटेक्शन होती है दैट स्टेट दैट दे कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी कॉन्टेंट यदि किसी तीसरे व्यक्ति ने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लिख दिया तो इसके लिए इनको आप जिम्मेदार नहीं मानोगे थर्ड पार्टी कॉन्टेंट के लिए पब्लिश ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विद द लीगल ऑर्डर टू टेक डाउन द कॉन्टेंट फ्रॉम द कोर्ट्स लेकिन हाँ मान के चलो किसी ने कुछ लिखा आप सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हो और उससे कोई दंगा हो गया वायलेंस हो गया आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आपको उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा अगर अथॉरिटी की एडवाइस आती है तो अभी ये मत कहना कि नहीं हटाऊंगा तो नहीं हटाओगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है है ना अब सेफ हार्बर क्या है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या है देखो गो डेथ एंड वायलेंस नाउ अंडर द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ट्विटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल जस्ट बिकॉज ऑफ इट और ट्विटर पे तुमने पोस्ट किया पोस्ट वायरल हो गया और उस वायरल की वजह से कहीं पे दंगे हो गए किसी की मृत्यु हो गई अब ट्विटर को आप उसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते ठीक है इसके तहत अगर उसके पास ये सोशल मीडिया इंटरमीडियटरीज का है तो आप उसको लाइबल नहीं ठहरा सकते ट्विटर को आप नहीं दोषी ठहरा सकते हाउ आर दे विल हैव टू टेक डाउन लेकिन उनको उस कंटेंट को डाउन करना पड़ेगा इसी को बोलते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन लेकिन अब जब ट्विटर इंटरमीडिएटरी नहीं रहा तो उसके पास ये प्रोटेक्शन भी नहीं रहा समझ में आई बात आपको समझ में आई या नहीं आई <laughs> समझ में आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों ओके की रिपोर्ट कर दो ठीक है और साथ ही साथ में यार एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा आपको समझ आया होगा अगर पसंद और समझ आया तो प्यारे बच्चों दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करो उनको बताओ ठीक है कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं जिसमें प्री मेन सब कवर हो रहा है हमारा इसके ऊपर टेस्ट का भी कर रहे हैं हम आज शाम में इसका टेस्ट कर लेंगे हम ठीक है कब होगा टेस्ट उसका लिंक आपको मिल जाएगा सवा छः बजे के आसपास हम इसका जो है टेस्ट करेंगे ठीक है सवा छह बजे के बाद में आपके साथ सवा छह बजे के आसपास में इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ सो तैयार रहना ठीक है चलिए तो आप साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथी के प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हो जो प्लस कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं पेड कोर्सेज होते हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हो किसी भी बच्चे को अगर मेरे साथ जुड़ना है तो याद रखिए आपको सुमित टेन ही कोड यूज करना है सुमित टेन जो है ये मेरा कोड है इस कोड को आप यूज करोगे टू गेट द टेन परसेंट ऑफ ऑन एन अकेडमी पे टेन परसेंट ऑफ के लिए आपको इस कोड को यूज करना है किसी बच्चे को कोई डाउट है यू कैन मेल मी एट सुमित राठी आप मुझे सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे क्या कर सकते हो आप मुझे मेल कर सकते हो ठीक है और हम दो प्रकार के कोर्स देते हैं जीएस में आपको दो प्रकार के कोर्स मिलते हैं एक तो प्लस और दूसरा आइकॉनिक अब दोनों में ही आप मेरा कोड यूज करोगे जीएस में भी और आइकॉनिक में भी फर्क क्या है मैं बता देता हूँ जीएस के अंदर में आपको सिर्फ जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे इंटरेक्टिव क्लास स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सब होंगी लेकिन आइकॉनिक के अंदर में जो फ़र्क है वो क्या है पर्सनल कोच आपको अलग से मिलेगा जो आपको पर्सनली मैंटोर करेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें मैं आइकॉनिक में अगर तुम लेते भी हो तो कभी भी पर्सनल कोच मैं नहीं हो सकता तुम्हारा वो अन एकेडमी अलॉट करेगी और वो किसको करेगी आप नहीं जानते उसको कुछ नहीं पता ठीक है वो अलग लोग होते हैं वो एजुकेटर नहीं होते हैं। तो आप आइकॉनिक करते हो तो भी मैं आपके साथ रहूंगा मैं प्लस करते हो तो भी मैं लेकिन आइकॉनिक के फायदे अलग हैं भाई तो आप आइकॉनिक भी कर सकते हो बट कोड याद रखना आपको सुमित टेन ही इस्तेमाल करना है ठीक है इसमें साथ ही साथ यहां पर ये ऑप्शनल का है तो ऑप्शनल में भी आप सुमित टेन कोड यूज करोगे ठीक है ऑप्शनल के बाद ये कॉम्बो है कॉम्बो में ना जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ मिल जाता है इसमें भी आप कोड यूज करोगे क्या सुमित टेन तो ज्यादातर ऑप्शनल ही कॉम्बो ही अच्छा है जिसमें प्री और जीएस और ऑप्शनल दोनों ही तैयारी हो जाती है